Hey guys, this is Bhupendra Singh and welcome to Let's Crack UPSC CSE Hindi और आप सभी का स्वागत है. कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कि Alexa, stop it. आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत बढ़िया चल रही होगी. चलिए तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं. बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही शानदार होने वाला है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं. मौर्य साम्राज्य, प्राचीन भारत के इतिहास की अगर मैं बात करता हूँ तो प्राचीन भारत के इतिहास में मौर्य साम्राज्य एक बहुत ही बड़ी भूमिका निभाता है. लगभग 322 ईसा पूर्व से हम लोग 125 ईसा पूर्व की बात करेंगे. इसमें हम लोग मौर्य साम्राज्य की बात करेंगे. मौर्य साम्राज्य यानी कि आप समझ सकते हैं कि सबसे पहले हमारे भारत देश में केंद्रीय सत्ता का निर्माण हुआ. अब मौर्य साम्राज्य के बारे में हमें कहां से जानकारी मिलती है, इसके बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. जैसे कि मैं बात करूं मुद्रा राक्षस का रचयिता कौन है, इसी प्रकार से आपसे पूछ लेगा मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका के बारे में पूछ लेगा, क्या लिखा है मेगास्थनीज ने इंडिका में हमारे भारत के समाज के बारे में, स्ट्रैबो के बारे में पूछ लेगा. तो सबसे पहले ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने के लिए इनको पढ़ेंगे, थोड़ा सा साहित्यिक साक्ष्य के बारे में. इसके बाद अशोक के बारे में पढ़ने के लिए और मौर्य वंश के बारे में पढ़ने के लिए हमें पुरातात्विक साक्ष्य भी पढ़ना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो डायरेक्ट अभिलेख से बनते हैं, तो अभिलेख के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे. फिर हम लोग पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य की स्थापना किस प्रकार से हुई. मौर्य साम्राज्य की स्थापना करवाने के बाद मैं कुछ महत्वपूर्ण शासक के बारे में आपसे बात करूंगा. जैसे कि सबसे पहले हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात करेंगे, किस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश की नींव को खोखला किया और उसके ऊपर जो है मौर्य वंश की स्थापना करी. इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का हम लोग मूल्यांकन करेंगे और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य साम्राज्य में बिंदुसार आते हैं. लगभग 298 ईसा पूर्व से लगभग 273 ईसा पूर्व तक ये शासन करते हैं. इन्होंने अपने समय पर कौन कौन से काम किए इसके बारे में हम लोग बात करेंगे. इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण शासक आता है मौर्य साम्राज्य में जिसका नाम है अशोक. तो अशोक के बारे में हम लोग बात करेंगे. इसके बाद अशोक का धार्मिक जीवन के बारे में बात करेंगे. अशोक के जीवन में एक महत्वपूर्ण युद्ध आता है. हम सारे के सारे युद्ध के बारे में बात नहीं करेंगे, इसका एक महत्वपूर्ण युद्ध आता है. यहाँ से सारी की सारी चीज़ें चेंज होना स्टार्ट हो जाती हैं. यहाँ से राज्य का धर्म जो है वो बौद्ध धर्म हो जाता है और अशोक जो है तलवार को छोड़कर शांति के माध्यम से अपने राज्य का संचालन करता है, धम्म के माध्यम से राज्य का संचालन करता है. इसके बाद हम लोग बात करेंगे कुछ अशोक के धम्म के बारे में. सबसे महत्वपूर्ण हम लोग जो बात करेंगे धम्म के बाद वो है अभिलेख. अभिलेख से बहुत सारे क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, कौन से अभिलेख कहाँ पर पाए गए हैं. जैसे कि शाहबाजी अभिलेख है वो पेशावर में पाया गया है और कौन से अभिलेख में कौन कौन सी घटना का वर्णन किया गया है, इन सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे. अशोक के शिलालेख के बारे में बात करने के बाद देखो 14 शिलालेख की बात करूंगा और 14 शिलालेख में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं इन सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे. इसके बाद हम लोग अशोक का मूल्यांकन पढ़ेंगे क्योंकि अशोक का मूल्यांकन मेंस में आ सकता है, ठीक है. इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आती है मौर्य प्रशासन की जो है मतलब शब्दावलियाँ. ये शब्दावलियाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं, मौर्य साम्राज्य की, सल्तनत काल की, मुगल काल की, ठीक है. काम तो सबके एक ही होंगे लेकिन नाम सबके चेंज हो जाएंगे. संगम साहित्य की जो शब्दावलियाँ हैं वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं. मौर्यकालीन प्रांत, सैन्य व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था, मौर्यकालीन समाज के बारे में हम लोग बात करेंगे कि समाज में दास की स्थिति किस प्रकार की थी, स्त्रियों की स्थिति किस प्रकार की थी. मौर्यकालीन हम लोग धर्म की बात करें, किस प्रकार का धर्म था, क्या वो सहिष्णु था या फिर असहिष्णु था, ठीक है. इन सभी की हम लोग बात करेंगे. बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है आप सभी लोगों के लिए. बहुत ही मज़ा आने वाला है, आप सभी लोगों को छोड़ के जाना नहीं है और यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं. और प्लीज़ कमेंट को ज़रा रेगुलेट करें, ओके. और ऐसे बच्चे जो आपको परेशान करते हैं उनको आप जो है ब्लॉक भी कर सकते हैं. चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन.
आज के सेशन में हम लोग बहुत ही शानदार चीज़ पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो आप सभी लोग मेरे बारे में तो जानते ही हैं, आप जानते हैं अनअकैडमी इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं तो आप इंडिया के सबसे बड़े एजुकेटर के साथ जुड़ जाएंगे। आप ध्यान रखना, 13 जून को यहाँ पर जो है अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैम्पियनशिप होने वाली है। तो यहाँ पर आपको जो है क्या करना है, 13 जून को इसको ज्वाइन करना है। टाइमिंग आप ध्यान रखना 10 से 12 PM। और फर्स्ट टू 50 रैंक वालों को जो है, ये जो टॉप ISIPS ऑफिसर हैं और रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं, उसके द्वारा जो है मेंटोर किया जाएगा, यानी गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी। और भी आपको बहुत सारे प्राइस दिए जाएंगे और स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी आपका लोगों। देखो, लिमिटेड सीटें हैं, 100 ओनली को इन टॉप एजुकेटर जो है क्या करेंगे, मेंटोर करेंगे, यानी कि गाइडेंस प्रोवाइड करवाएंगे। क्लियर है? तो आप बहुत जल्दी जो है आप जो है इसका हिस्सा बनिए अनअकैडमी का। इसके अलावा अगर आपको आर्थिक रूप से कमज़ोर हो, तो आर्थिक रूप से कमज़ोरों के लिए जो है लोन फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है, वो भी आप ले सकते हो। यहाँ पर आपको 100% सिलेबस, इसके अलावा 20 बुक्स आपको मिलेंगी। ये सभी चीज़ें आपको अवेलेबल होंगी, आइकॉनिक और प्लस यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर फीस आपकी कम हो जाएगी अगर आप BS लाइव कोड का यूज़ करते हैं। और यहाँ पर अलग अलग कोर्स हैं, 1 साल का 2 साल का 3 साल का, जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जैसी भी आपकी इच्छा हो। ठीक है, यहाँ पर आइकॉनिक भी है, आइकॉनिक भी आप ले सकते हैं। यहाँ पर भी 1 साल 2 साल और 3 साल का कोर्स अवेलेबल है। यहाँ पर 35% डिस्काउंट आपको मिल रहा है, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप इसका फ़ायदा आप उठाइए। पता नहीं ये ऑफ़र कब यहाँ से चला जाए। आपके स्टार्ट हो चुके हैं बैच, बहुत ही ठीक है। और यहाँ पर जो है आपको BS लाइव कोड का यूज़ करना है। अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, फ्री टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो चुकी है। हमारे 3 चैनल हैं, पाथफाइंडर, राइज 6.0 और वर्ल्ड अफेयर। कॉम्बैट आप सभी लोग जानते हैं संडे को होती है, यहाँ पर भी कॉम्बैट को अनलॉक कर सकते हैं BS लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, ये सभी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा मौर्य साम्राज्य। इसके पहले हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके बारे में आप देख लीजिए, हमारा कौन सा टेलीग्राम ग्रुप है, कहाँ से PDF आपको मिलेगी। और जैसे ही लेक्चर समाप्त होता है तो PDF ऑब्वियसली आपको मिल जाएगी। ठीक है, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। ये है हमारा टेलीग्राम ग्रुप। यहाँ की स्थापना में इनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता है। अगर चाणक्य नहीं होते तो कभी भी मौर्य साम्राज्य की स्थापना नहीं होती। कोई भी ऐसा शासक नहीं होता जो कि नंद वंश से टक्कर ले सके। उस समय पर नंद वंश का प्रशासन जो है बहुत ही गड़बड़ था, उसमें बहुत सारी कुप्रथाएं और हम लोग बात करें शोषणकारी प्रवृत्ति चल रही थी। अधिकारी बहुत ज़्यादा जो है किसानों को और आम जनता को परेशान कर रहे थे, और इसी का फायदा उठाते हुए चाणक्य ने नंद वंश को साइड में किया और मौर्य वंश की नींव डाली। चलिए, तो हम लोग बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, जिसको 1% भी पता नहीं है उसको भी सब कुछ चीज़ें मालूम चल जाएंगी। एक बार मुझे बताइए, सभी को आवाज़ तो ठीक आ रही है ना? सभी को आवाज़ तो ठीक आ रही है ना? चलो ठीक है, सभी को आवाज़ ठीक आ रही है। मौर्य साम्राज्य, ये टाइमलाइन ध्यान रखना, हम लोग कब की बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं 320 ईसा पूर्व, ईसवी नहीं है, ईसा पूर्व है। क्लियर है? 320 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व की हम लोग बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने आपसे कहा था कि हम जो भी चैप्टर पढ़ते हैं उसके बारे में कहाँ से हमें मालूम चलता है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो हम लोग पढ़ेंगे मौर्य वंश से संबंधित जानकारी। तो मौर्य वंश के संबंध में हमें कहाँ से जानकारी मिलती है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो 3 प्रकार के स्रोत होते हैं, कौन कौन से? एक तो आप जानते हैं साहित्यिक स्रोत होता है। साहित्यिक स्रोत में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? यहाँ पर अर्थशास्त्र की हम लोग बात करेंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, और इसके माध्यम से हमें समझ में आता है कि मौर्य वंश कब से कब तक जो है उसने शासन किया, कहाँ कहाँ शासन किया, किस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था थी, मतलब सारी की सारी जो है सटीक जानकारी हमें अर्थशास्त्र से मिलती है। क्यों? क्योंकि ये चाणक्य के द्वारा लिखी गई थी। फिर आते हैं हम लोग पुराण पे, इसके बाद हम लोग मुद्रा राक्षस की बात। अच्छा, मुझे ये कमेंट बॉक्स में बताओ कि कौन सा पुराण है जिसके माध्यम से हमें
जिसके माध्यम से हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे बौद्ध और जैन ग्रंथ के बारे में, ठीक है ना। तो उस समय बौद्ध और जैन ग्रंथ बहुत सारे हैं जिसके माध्यम से हमें जानकारी मिलती है किसके बारे में, मौर्य साम्राज्य के बारे में। दूसरी हम लोग बात करेंगे विदेशी विवरण। विदेशी विवरण का मतलब क्या होता है? हमारे भारत देश में बहुत सारे विदेशी राजदूत आए, इन लोगों ने हमारे भारत देश को एनालिसिस किया, उसके बाद अपनी किताब लिखी। उस किताब में हमारे भारत देश की आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक जो गतिविधियां थी उनके बारे में जो है लिखा कि मौर्य वंश में इस प्रकार का प्रशासन था, इस प्रकार से समाज में दास प्रथा थी, इस प्रकार से स्त्रियों की स्थिति थी। इन सभी के बारे में हमें जानकारी मिलती है मेगास्थनीज में। इसी प्रकार से स्ट्रैवो की हम लोग बात करेंगे, स्ट्रैवी नहीं है ये, स्ट्रैवो है। इसी प्रकार से हम लोग कर्टियस की बात करेंगे। ये सारे के सारे विदेशी हैं, ये यूनानी हैं, ठीक है। इसके अलावा मौर्य वंश की जानकारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है वो है अशोक के अभिलेख। अशोक के अभिलेख के माध्यम से भी हमें जानकारी मिलती है। इसी प्रकार से ये गिरनार का अभिलेख है जिसे हम लोग जूनागढ़ अभिलेख के नाम से भी जानते हैं। इसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ें लिखी हुई है और बहुत सारे भवन के माध्यम से और बहुत सारी मुद्राओं के माध्यम से हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग साहित्यिक साक्ष्य यानी कि साहित्यिक स्रोत की हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले साहित्यिक स्रोत, आप सभी जानते हैं, अगर मेरे साथ आप स्टार्टिंग से जुड़े हुए हो तो आप जानते हैं बौद्ध और जैन साहित्य। उस समय पर बौद्ध धर्म का विकास हो चुका था, उस समय पर जैन धर्म का विकास हो चुका था, उस समय पर ब्राह्मण ग्रंथ में भी बहुत सारे वेदों की व्याख्या करने के लिए बहुत सारे साहित्य स्रोत उपलब्ध थे। तो ऑब्वियसली उस समय पर जो भी साम्राज्य होगा उस साम्राज्य के बारे में भी लिखा जाएगा। इन्हीं साहित्यिक स्रोतों के माध्यम से हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। आप मैप में देखिए, ये हमारा जो मौर्य साम्राज्य है जो भारत में उस समय पर केंद्रीय सत्ता थी, कहां कहां तक फैली हुई थी, देखिए आप, यहां कांधार यानी कि अफगानिस्तान तक हमारी सीमा जो है वो पर्शिया तक मिल रही थी। पर्शिया को ईरान बोलते हैं, यानी कि ईरान को पर्शिया बोलते हैं, ये आप देख सकते हैं। और अशोक के समय पर तो हम लोग यहां तक पहुंच चुके थे। तो मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था और हमारे भारत देश को एक केंद्रीय सत्ता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। अगर हमारे भारत देश में केंद्रीय सत्ता नहीं होती है तो विदेशी आक्रमणकारी ललायत होंगे हमारे भारत देश पर आक्रमण करने के लिए। तभी तो हमारे भारत देश में जब केंद्रीय सत्ता नहीं थी तभी तो हमारे भारत देश में यूनानियों ने आक्रमण किया। हमारे भारत देश में जब केंद्रीय सत्ता नहीं थी यानी कि हम लोग मौर्योत्तर काल की बात कर रहे हैं, तभी तो हमारे भारत देश में शक, कुषाण और पहलव इन विदेशी आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया। इसी प्रकार से हम लोग बात करते हैं जब हमारे भारत देश में केंद्रीय सत्ता नहीं थी तभी तो ये सल्तनत काल के गुलाम वंश आए, अरबी और तुर्की आए। इसी प्रकार से जब सल्तनत में केंद्रीय सत्ता ख़त्म हो चुकी थी यानी कि केंद्रीय सत्ता कमज़ोर हो चुकी थी तभी तो मुगलों ने आक्रमण किया था। और जब मुग़ल केंद्रीय सत्ता में नहीं रहे यानी केंद्रीय सत्ता मजबूत मतलब कमज़ोर हो गई, मुगलों की शक्ति कमज़ोर हो गई, केंद्रीय सत्ता कमज़ोर हो गई, तभी तो हमारे भारत देश में अंग्रेज आए। यानी कि जब जब हमारे भारत देश में केंद्रीय सत्ता का अभाव होगा तब तब हमारे भारत देश में जो है विदेशी आक्रमण करते रहेंगे, ठीक है। तो हमें कहाँ से जानकारी मिलती है, हम लोग इस बारे में बात कर रहे थे, ये है ब्राह्मण, बौद्ध और जैन साहित्य। अगर हम लोग बात करते हैं ब्राह्मण साहित्य, तो ब्राह्मण साहित्य में 18 पुराणों का निर्माण हो चुका था। और 18 पुराणों में से मैंने आपसे पूछा था कि कौन से पुराण जो हैं वो मौर्य वंश से संबंधित हैं। आपने मुझे क्या बताया था? मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण सातवाहन से संबंधित है। आप मुझे सही बताओ किससे संबंधित है। इसके अलावा कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है इसके माध्यम से भी हमें जानकारी मिलती है। इसके अलावा बहुत सारे इतिहासकार हैं जिन्होंने स्वतंत्र रूप से मौर्य साम्राज्य का मूल्यांकन किया और अपनी पुस्तक में मौर्य साम्राज्य के बारे में बताया। जैसे कि हम लोग बात करते हैं विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस, इस मुद्रा राक्षस के माध्यम से हमें मौर्य वंश के बारे में बहुत सारी सटीक जानकारी मिलती है और कुछ जानकारी ऐसी भी होती है जो कि मतलब हमें भ्रांतिपूर्वक लगती है, ठीक है। मुद्रा राक्षस में विशाखदत्त ने चंद्रगुप्त मौर्य को एक नीची जाति का, एक शूद्र जाति का बताया है, ठीक है ना। इसी के अलावा बहुत सारे आपके रहे हैं सोमदेवकृत, कथा सारित सागर, क्षेम केंद्रकृत,
वृहत कथा मंजरी, इसके अलावा पतंजलि का महावाश्य। थोड़ा सा इनके बारे में याद रख लेना, आपसे पूछा भी है कि महावाश्य महाभाष्य के रचयिता कौन है, तो आपको बताना पड़ेगा महाभाष्य के रचयिता कौन है, वो है आपकी पतंजलि। आपसे पूछेगा कि वृहत कथा मंजरी के लेखक कौन है, तो वो हैं आपके क्षेमेंद्र। ये सारे के सारे जो इतिहास के स्रोत हैं इनके बारे में पूछ लेता है। तो ठीक है, हमें ब्राह्मण साहित्य के बारे में तो मालूम चल गया कि कौन कौन से ऐसे साहित्य हैं जिसके माध्यम से हमें जानकारी मिलती है मौर्य वंश के बारे में। इसके बाद हम लोग बात करते हैं बौद्ध ग्रंथों के बारे में, कौन कौन से ऐसे बौद्ध ग्रंथ हैं जिसके माध्यम से हमें जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले आता है दीपवंश, उसके बाद आता है महावंश, उसके बाद महावंश पर जो टीकाएँ लिखी गई हैं उसके माध्यम से भी हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में मालूम चलता है। ये जो टीकाएं हैं, टीकाओं के माध्यम से हम लोग मौर्य साम्राज्य के प्रशासन का मूल्यांकन पढ़ सकते हैं। एक बात ध्यान रखना है ना, जैसे हम लोग डिस्कस करते हैं ना, डिस्कशन में चीज़ें बहुत सारी निकलती हैं, कौन सी चीज़ सही है कौन सी चीज़ गलत है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। इसी प्रकार से महामौदिवंश, दिव्यावदान, ये सारे के सारे जो हैं आपके साहित्यिक साक्ष्य हैं जो कि बौद्ध साहित्य से संबंधित हैं, जिसके माध्यम से हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में मालूम चलता है, ठीक है। इन ग्रंथों के माध्यम से हमें किस किस के बारे में जानकारी मिलती है, हमें सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है, हमें बिंदुसार के बारे में जानकारी मिलती है, हमें अशोक के बारे में और अशोक के बाद जितने भी मौर्य शासक हुए हैं उनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। अगर हम लोग बात करते हैं कि जैन ग्रंथ कौन कौन से हैं जिसके माध्यम से हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है, तो वो है भद्रबाहु का कल्पसूत्र और हेमचंद्र का परिसिष्टम पर्व, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हैं, ये मैंने आपको बता दिया, साहित्यिक साक्ष्य जिसमें कि अर्थशास्त्र, पुराण और बौद्ध और जैन ग्रंथ, ठीक है। थोड़ा सा जो साहित्यिक स्रोत हैं जैसे कि विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, ये कईयों बार जो है आपसे पूछा गया है, तो थोड़ा सा फोकस करना इन सभी चीज़ों पर, है ना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया, स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आप ध्यान रखना, साहित्यिक स्रोत में सबसे महत्वपूर्ण आपका स्रोत है वो है अर्थशास्त्र, जो कि कौटिल्य के द्वारा लिखी गई है। कौटिल्य ने खुद प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में, अर्थशास्त्र के बारे में, राजनीति के बारे में, इसके अलावा इसने समाज के बारे में, मतलब सब के बारे में इसने लिखा हुआ है। आप अर्थशास्त्र का मतलब ये मत सोचना कि इसने केवल और केवल मौर्य साम्राज्य के इकोनॉमिक्स के बारे में लिखा है, नहीं, अर्थशास्त्र के अलावा इसने जितने भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हो ना यूपीएससी में, सभी सब्जेक्ट के बारे में इसने सटीक जानकारी दी है, ओके। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं विदेशी विवरण, हमारे भारत देश में कौन कौन से विदेशी लोग आए और इन्होंने हमारे भारत देश के बारे में क्या क्या लिखा, तो ये हैं आपके स्ट्रैबो, कर्टियस, डियोडोरस, प्लिनी, एरियन, जस्टिस, प्लूटार्क और निरियाकस, ऑनेसिक्रेटस और एरिस्टोबुलस, इन सभी ने हमारे भारत देश के बारे में जो है, या भारत देश के बारे में साथ साथ में मौर्य वंश के बारे में बहुत ही सटीक जानकारी दी है। इसमें से आप जानते हैं जस्टिन, ये जस्टिन जो है, जस्टिन के अलावा बहुत सारे आपके यूनानी लेखक हैं, उन्होंने अपनी किताब में चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोटस कहा है, तो ये क्वेश्चन भी आपका पूछा हुआ है, सेंट्रोकोटस किस राजा को कहा गया है, चंद्रगुप्त मौर्य को, बिंदुसार को, अशोक को, तो ध्यान रखना ये चंद्रगुप्त मौर्य को संबोधित किया गया है सेंट्रोकोटस के नाम से। इसी प्रकार से अगर हम लोग बात करते हैं, सर्वप्रथम विलियम जॉन्स था, ये कौन था, ये एक इतिहासकार था, ये एक पुरातत्वविद था, इसने सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की थी किससे, सेंट्रोकोट से। जो भी यूनानी अभिलेख मिलते हैं उस यूनानी अभिलेख में जहाँ जहाँ सेंट्रोकोट्स लिखा हुआ है वो सेंट्रोकोट्स कोई और नहीं चंद्रगुप्त मौर्य है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा हुआ है। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं सेल्यूकस निकेटर, ये हमारे भारत देश में इसने लंबे समय तक जो है शासन किया था, यानी कि पश्चिम उत्तर भारत देश में, क्लियर है, पूरे भारत देश में नहीं किया इसने, और ये मेगस्थनीज यूनानी शासक का ये राजदूत था, ठीक है, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और इसने एक इंडिका पुस्तक लिखी थी, सॉरी ये कोई शासक नहीं था, ये एक इतिहासकार था, ये एक राजदूत था, इसने एक पुस्तक इंडिका लिखी और इस इंडिका पुस्तक में पाटलिपुत्र के बारे में विस्तार से बताया गया, पाटलिपुत्र का शहर किस प्रकार का था, पाटलिपुत्र का समाज किस प्रकार का था, पाटलिपुत्र में
स्त्रियों की स्थिति किस प्रकार की थी, पाटलिपुत्र में राजा किस प्रकार का था, निरंकुश था या फिर जनता के प्रति ईमानदार था, इन सभी के बारे में हमें जानकारी मिलती है मेगास्थनीज की इंडिका पुस्तक। यहाँ से यूपीएससी का मेंस का एक क्वेश्चन भी आया है कि मेगास्थनीज ने इंडिका में हमारे भारत देश के समाज के बारे में क्या लिखा है। ठीक है, एक तो आपका मेंस में आ गया है और दूसरा आपका प्री में आ गया है, तीन कथन आपको दिए हैं, क्या इंडिका में ये बातें लिखी हुई हैं, तो हम लोग लास्ट में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे इंडिका के बारे में, काफ़ी महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत है। ओके, चलिए, तो ये सभी चीज़ें हो गई हैं। इसके अलावा एक बात और है, ये इंडिका है, इंडिका में मौर्य इतिहास के बारे में जो है बहुत सारी जानकारी हमें प्राप्त होती है, लेकिन आप ध्यान रखना ये अपने मूल रूप में प्राप्त नहीं हुई है, यानी कि जो किताब मेगास्थनीज ने लिखी है वो किताब हमें प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन आप ध्यान रखना इसके बाद जितने भी परिवर्ती साहित्यकार या फिर इतिहासकार आए उन्होंने इंडिका को स्रोत मानकर अपने इतिहास अपने साहित्य की रचना करी, तो जो इंडिका हमें मूल रूप से प्राप्त होनी चाहिए थी इस मूल रूप से हमें प्राप्त नहीं होती है, जो मेगास्थनीज ने लिखी थी इंडिका वो हमें मूल प्रति प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन इस मूल प्रति यानी कि मेगास्थनीज की जो इंडिका है इसके आधार पर जो आगे की पुस्तकों का निर्माण हुआ है उसके माध्यम से हमें इंडिका के बारे में जानकारी मिलती है। अब आप मुझे बताओ ये ए व्यक्ति है, ये बी व्यक्ति है और ये सी व्यक्ति है, ये कांग्रेसी है, ये बीजेपी है और ये लेफ्टिस्ट है, वामपंथी है। अब आप मुझे बताओ ये इंडिका जब पुस्तक पढ़ेंगे तो वामपंथी की विचारधारा अलग होगी, बीजेपी की विचारधारा अलग होगी और ये जो आपके कौन है वामपंथी, इनकी विचारधारा अलग अलग होगी। तो आप समझिए जिस स्रोत का मूल्यांकन किया जाना है उस पर विचारधाराओं का भी प्रभाव पड़ेगा। तो ये जो परवर्ती साहित्यिक स्रोत मिलते हैं इसके माध्यम से हमें जो इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, हो सकता है कि इन्होंने उन घटनाओं को समझने में उनका मूल्यांकन करने में अपनी विचारधारा को प्रकट कर दिया हो, ठीक है ना। लेकिन क्या करें, हमारे पास मूल कृति नहीं है तो हमें इन्हीं के साहित्यिक स्रोत पर निर्भर रहना पड़ेगा, ये बात हो चुकी है। चलिए इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ अशोक के बारे में, इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ अशोक के बारे में, और अशोक के बारे में सबसे सटीक जानकारी हमें पुरातात्विक साक्ष्य के माध्यम से प्राप्त होती है। अब आप बोलोगे सर कि पुरातात्विक साक्ष्य क्या होते हैं, तो मैंने आपको बताया था कौन कौन से साक्ष्य होते हैं, जैसे कि हम लोग बात करें कि बहुत सारे मृदभांड हमें मिले हैं, जैसे कि हमें बहुत सारे अभिलेख मिले हैं, जैसे कि हमें बहुत सारे सिक्के मिले हैं, तो इन सभी के माध्यम से हमें अशोक के शासन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो इस काल के पुरातात्विक साक्ष्यों में अशोक के अभिलेख, हम लोग 14 अभिलेख पढ़ेंगे, इन 14 अभिलेख के माध्यम से समझ में आएगा कि अशोक क्या था, ठीक है। ओके, तो ये सभी चीज़ें ध्यान में रखना, अशोक के बारे में जानकारी हमें सटीक जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, अशोक के अभिलेख के माध्यम से प्राप्त होती है, अशोक के अभिलेख के माध्यम से हमें प्राप्त होती है। ये कैमरा पता नहीं कैसी कैसी शक्ल बनाता रहता है मेरी, यार समझ में नहीं आता कभी कभी, कॉन्ट्रास्ट कम करना पड़ेगा, अब ठीक है, गुलाबी होंठ कर देता है मेरे, बच्चे सोचते हैं कि लिपस्टिक का यूज़ करता हूँ मैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ठीक आ रही है ना शक्ल, अरे वो कॉन्ट्रास्ट जो है ना आगे पीछे हो जाता है, जिससे शक्ल क्या है, जिससे फेस क्या है, कभी पीला हो जाता है कभी लाल हो जाता है, पता नहीं कैसे कैसी शक्ल बनवाता है ये, अपने आप रीडायरेक्ट करता है ये। अभी तो ठीक ठाक आ रही है ना, शक्ल से क्या फर्क पड़ता है, आप तो सेशन पर ध्यान दीजिए, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप सभी लोगों के लिए।
चलिए वो सब मजाकें मजाक वगैरह हो गई, अब आप समझिए अशोक के 40 वे अभिलेख भारत सॉरी अशोक के 40 से अधिक अभिलेख जो हैं कहाँ से प्राप्त हुए हैं, वो हमें प्राप्त हुए कहाँ से, पाकिस्तान से। इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान वो हमारे ही हिंदुस्तान का एक हिस्सा था। पाकिस्तान तो छोड़िए, अफ़गानिस्तान भी हमारे क्षेत्र में था। अगर सोचिए, इमेजिन कीजिए, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दोनों हमारे क्षेत्र में होते तो कितना मज़ा आता। आता या फिर नहीं आता, बहुत ज़्यादा मज़ा आता। ठीक है, चलिए तो ये सभी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा आप ध्यान रखना, एक है जूनागढ़ अभिलेख। इस जूनागढ़ अभिलेख के माध्यम से भी हमें मौर्य इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। किसके बारे में? हमें मौर्य इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, ओके, चलो ठीक है। ये जूनागढ़ अभिलेख जो है आप ध्यान रखना, ये कईयों बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसे गिरनार अभिलेख के नाम से भी जानते हैं। और ये गिरनार अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, इनके इसके माध्यम से हमें बहुत सारे राजाओं के बारे में, बहुत सारे शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। इसी प्रकार से मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी काली पॉलिश वाले मृदभांड और चांदी व तांबे के पंचमार्ग, यानी कि ये जो आहत मुद्रा होती है, इन आहत मुद्रा के माध्यम से भी हमें जानकारी मिलती है। तो मैंने आपसे कुछ पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में बात करी। इस पुरातात्विक साक्ष्य के माध्यम से हम लोग मौर्य साम्राज्य के बारे में और मौर्य इतिहास के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं कि किस प्रकार का प्रशासन था, किस प्रकार की राज्य व्यवस्था थी, किस प्रकार का शासन था। ये सभी जानकारी हमें मौर्य प्रशासन के बारे में प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है, चलिए तो हम लोगों ने साहित्यिक स्रोत की बात कर ली। पुरातात्विक स्रोत की बात कर ली। अब हम लोग मौर्य साम्राज्य की स्थापना करवा देते हैं। किसकी स्थापना करवा देते हैं? मौर्य साम्राज्य की स्थापना करवा देते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं मौर्य वंश के पहले। अच्छा, कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताइए कि मौर्य वंश के पहले हमारे भारत देश में कौन शासन कर रहा था, बताइए। हमारे भारत देश में अभी कमेंट में देख रहा हूँ, थोड़ा सा जो है कमेंट को रेगुलेट करना। सर, लेटर्स काफ़ी छोटे होते हैं, थोड़ा सा आप अपने मोबाइल का रिजोल्यूशन है वो बढ़ा लीजिए, क्योंकि यहाँ से मैं भी देख रहा हूँ कि लेटर्स में कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप लोग पढ़ सकते हो। ठीक है ना, इतना भी कंजूसी मत कीजिए। चलिए, तो आप सभी लोग जानते हैं, मैं आशा करता हूँ कि थोड़ी बहुत तो नॉलेज आपको होगी। अगर नहीं नॉलेज है तो कोई बात नहीं है, मैं आपको बता ही दूंगा। तो सबसे पहले 4th शताब्दी ईसा पूर्व की हम लोग बात करते हैं, उस समय पर नंद वंश का शासन था। ये नंद वंश जो है ना, इसमें धनानंद जो था ये बहुत ही क्रूर राजा था, बहुत ही भ्रष्टाचारी था। इसको तो बस डांस वांस देखना था, शराब पीनी थी और ऐशो आराम की ज़िंदगी जीनी थी। इसने अपने अधिकारियों को बोला कि भाई तुम्हारी जिम्मेदारी है, हमें कोई मतलब नहीं है, आप राजस्व इकट्ठा करके लेके आओ। लेकिन ऐसा मत सोचना कि धनानंद का जो प्रशासन था वो क्या था, कमज़ोर था। नहीं, कमज़ोर नहीं था, लेकिन यहाँ पर जनता काफ़ी परेशान थी। जनता कुछ चेंजेस चाहती थी और वही परिवर्तन जो हैं मौर्य साम्राज्य की स्थापना में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो धनानंद का उस समय पर शासन था, जनता चाहती थी कि धनानंद का शासन खत्म हो जाए। ठीक है ना, तो आप जानते हैं कि ये बहुत ही क्रूर और बहुत ही अत्याचारी था। अगर हम लोग बात करते हैं मौर्य वंश की संस्थापना किसने की थी, वो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, और इसके गुरु कौन थे, वो थे चाणक्य। अब हम लोग चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। एक सीरीज़ आपने देखी होगी जो इमेजिन चैनल पे आती थी, काफ़ी अच्छा है, किस प्रकार से नंद वंश को हराया और किस प्रकार से मौर्य वंश की स्थापना करी चंद्रगुप्त मौर्य ने, चाणक्य और किसने मिलकर, चंद्रगुप्त मौर्य ने मिलकर। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि कोई मतलब नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करने से। ठीक है, ओके, चलो ठीक है, ये बात तो आपको समझ में आ गई। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे और ना ही चाणक्य के बारे में बात करेंगे, किस प्रकार से मौर्य वंश की संस्थापना करी है ना, क्या कौन कौन सी स्ट्रेटजी अपनाई। चाणक्य नीति तो आप जानते हैं, चाणक्य नीति नहीं पढ़ी है तो आप पढ़ना, आप चाणक्य नीति आज के समय में भी आपकी बहुत सारी सहायता करेगी, है ना, बहुत सारे सटीक पॉइंट बैठते हैं आज के समय में। ओके, चलो ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है, हम लोग बात करते हैं, धनानंद को पराजित कर दिया। हम ये लोग ये बात नहीं करेंगे कितने लोग मारे गए, कितनी सेना थी, क्या था क्या नहीं था, किस इससे कैसी कैसी स्ट्रेटजी अपनाई, इन सबसे कोई मतलब नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन भी नहीं आएंगे। हम लोग डायरेक्ट जो है
धनानंद को पराजित करवा देते हैं और मौर्य वंश की स्थापना करवा देते हैं। उस समय पर कौन सी राजधानी थी? इसकी राजधानी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र, अच्छा आज के समय में जो पाटलिपुत्र है, आज के समय में जो पाटलिपुत्र है, आप मुझे ये बताओ कि उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? आज के समय में जो पाटलिपुत्र है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, बताइए? तो उसे हम लोग पटना के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? पटना के नाम से जानते हैं हम लोग। ओके, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का प्रथम राजा और संस्थापक था। उसकी माता का नाम क्या था? मूर्था, जिसे संस्कृत में, जिसका अर्थ जो है संस्कृत में मौर्य होता है। उसकी माता को मार दिया जाता है, किसके द्वारा? धनानंद के द्वारा। इसलिए चाणक्य बोलता है कि तुम्हारी माता मरी नहीं है, अब आज से तुम्हारी माता हमेशा के लिए अमर हो जाएगी इतिहास के पन्नों में। फिर चंद्रगुप्त मौर्य का नाम चंद्रगुप्त मौर्य रख दिया जाता है। उसके बाद मौर्य वंश की स्थापना होती है और उसकी माता हमेशा के लिए अमर हो जाती है। ओके, चलिए ये बात आपको समझ में आ गई। आगे हम लोग बात करते हैं मौर्य वंश के शासक किस वर्ण के थे। तो इसको लेकर जो है बहुत सारे इतिहासकार हैं वो आपस में डिस्कस करते हैं और उनके बीच बहुत सारे मतभेद उभर कर सामने आते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो मौर्य क्षत्रिय वंश का था, और कुछ लोग बोलते हैं कि ये एक शूद्र जाति का था। आप जानते हैं कि विशाखदत्त की जो मुद्रा राक्षस है, उस मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को एक शूद्र जाति का बताया गया है। चंद्रगुप्त के जो गुरु थे चाणक्य, वो वर्णाश्रम व्यवस्था पर काफ़ी जो है फोकस करते थे। तो कहा जाता है एक इतिहासकार के द्वारा कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य कभी भी शूद्र जाति को कभी भी राजा नहीं बनाएगा, कभी भी नहीं चुनेगा, वो क्षत्रिय वंश को ही सुनेगा। तो बहुत सारे राजा बोलते हैं कि मौर्य क्षत्रिय वंश का शासक था। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, लेकिन इसके बारे में कोई भी मतलब नहीं है पढ़ने से कि वो क्षत्रिय था या फिर शूद्र था। हम लोग अब डायरेक्ट अटैक करते हैं किस पर? चंद्रगुप्त मौर्य पर। चंद्रगुप्त मौर्य से जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना होती है उसको हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। ऐसे तो मेरे पास बहुत सारे फैक्ट हैं जिसके माध्यम से आप चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। वहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना नगण्य के बराबर है, इसीलिए हम लोग फोकस करेंगे जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना होती है और बेसिक चीज़ें जो आपको मालूम होना चाहिए। चंद्रगुप्त मौर्य की हम लोग बात करते हैं तो अंतिम नंद वंश कौन था? वो धनानंद। इसको पराजित किया और 322 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठ गया। ओके, इसके पहले चाणक्य ने कौन सी स्ट्रेटजी अपनाई, किस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया, कहाँ कहाँ पर प्रशिक्षण दिया, इसके बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य के वंश और जाति के संबंध में अगर हम लोग बात करते हैं विद्वान, तो विद्वान क्या थे? एकमत नहीं थे। कुछ विद्वान जो थे ब्राह्मण साहित्य में, कुछ मुद्रा राक्षस में, कुछ विष्णु पुराण में जो है इसको शूद्र बोलते हैं, तो कुछ जो है अनुमान लगाते हैं कि भाई चाणक्य जो था ब्राह्मण था और वो वर्ण व्यवस्था का समर्थक था और वो कभी भी नहीं चाहेगा कि भाई एक शूद्र जाति का राजा क्या बने, राजा बने। लेकिन चाणक्य वर्ण व्यवस्था का समर्थक था, लेकिन वो एक बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान था, तो हो सकता है कि उसने शूद्र जाति के बच्चे के अंदर वो प्रतिभा देख ली हो जो कि एक केंद्रीय सत्ता को संभाल सके, जिसमें कि जनता के प्रति सहानुभूति, समानुभूति, करुणा, ये सभी नैतिक गुण हों, एक राजा के गुण हों जो उसे और क्षत्रिय वंश के उत्तराधिकारियों में या फिर लड़कों में दिखाई नहीं दिए गए हों। कि आप जानते हैं कि आने वाले समय में किस प्रकार से जो क्षत्रिय वंश के राजा हैं वो आपस में ही लड़ते हैं या फिर नहीं लड़ते हैं, लड़ते हैं ना। तो इसी प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं कि हो सकता है कि चाणक्य ने बहुत परखा हो चंद्रगुप्त मौर्य को, उसके बाद समझ में आया हो कि हाँ यही जो है भारत का नेतृत्व कर सकता है। चलो वो सब छोड़ो, वो कोई बात नहीं है। हम लोग कुछ बात चाणक्य के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि चाणक्य के बारे में भी कुछ क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं। तो चाणक्य के बारे में जानकारी हमें महावंश टीका के माध्यम से मिलती है। आप मुझे बताओ कि ये महावंश साहित्यिक स्रोत किसके माध्यम से मिलता है? महावंश जो साहित्यिक स्रोत है इसकी महावंश साहित्यिक स्रोत है ये किस धर्म से संबंधित है, ठीक है ना। तो इसके माध्यम से हमें पता चलता है कि ये एक तक्षशिला का एक ब्राह्मण था। तक्षशिला कहाँ पर है? ये है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। तक्षशिला इस तरह वहाँ पर है पेशावर में और पाकिस्तान में है इस समय पर। ये तक्षशिला उस समय पर एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, जिस प्रकार से आज हमारे भारत देश में यूनिवर्सिटी होती है, अलग अलग
कोर्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं, जैसे कि बीए, जैसे कि एमए, जैसे कि एमटेक। इसी प्रकार से तक्षशिला में उस समय पर अलग अलग सिलेबस, अलग अलग कोर्स हुआ करते थे, अलग अलग कोर्स के अलग अलग टीचर हुआ करते थे। और यहाँ पर जो है आप समझिए कि बहुत सारे राजवंश के जो उत्तराधिकारी हैं, जो बालक हैं, वो यहाँ पर अध्ययन किया करते थे और उसके अध्ययन करने के बाद अपने राज्य को संभाला करते थे। तो तक्षशिला में रहकर ही इसने चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, शिक्षा ग्रहण करी और वहाँ पर जो है उसने बहुत सारी बातें चंद्रगुप्त मौर्य को सिखाई। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य कहाँ का था, ये तक्षशिला का एक निवासी था और चाणक्य का पालन पोषण जो है उसकी माता के संरक्षण में हुआ था। उसकी माता जो थी, उसको एक ब्राह्मण ने यह बताया था, उसकी माता को एक ब्राह्मण ने यह बताया था कि ये एक बहुत ही वो बनेगा, बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा चाणक्य, या फिर बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। क्लियर है? तो इसकी माता जो है घबरा गई थी, एक छोटा सा ब्राह्मण बेचारा सा बच्चा था। क्लियर है ना? और आप जानते हैं क्यों उसकी माँ घबरा जाएगी, क्योंकि जब चक्रवर्ती सम्राट बनता है कोई भी इंसान तो उस पर खतरों के बादल मंडराने लगते हैं। लेकिन पर्सनल लाइफ के बारे में हम लोग नहीं जाएंगे, बस जितनी जानकारी आपको होना चाहिए बस उतनी ही जानकारी हम लोग देंगे। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस में क्या कहा गया है, मुद्रा राक्षस में ये बताया गया है कि नंद जो धनानंद था, धनानंद जो था उसने भरे दरबार में चाणक्य को अपमानित किया था, जो सम्मानित पद है उससे हटा दिया था और उसे चोटी पकड़कर जो है दरबार से बाहर निकाल दिया था। और इसी अपमान का बदला लेने के लिए उसने कसम खाई थी कि मैं अपनी चोटी तब तक नहीं बांधूंगा जब तक कि नंदवंश यानी कि धनानंद के अस्तित्व को ख़त्म ना कर दूँ। एक स्टेटमेंट और है इतिहासकारों का, कुछ बोलते हैं कि जब ये सजेशन देने के लिए आए थे चाणक्य नंदवंश के शासक धनानंद को, उस समय पर पार्टी चल रही थी। क्या चल रही थी? उस समय पर पार्टी चल रही थी और उस समय पर इसने बोला कि आप महाराज पार्टी कर रहे हैं, वहाँ पर सिकंदर जो है पश्चिम उत्तर सीमा पर सिंध तक आ चुका है और हमें एक अखंड भारत का निर्माण करना है और हमें अपने भारत देश की सुरक्षा करना है, हमें सिकंदर से मुकाबला करना चाहिए, ये पार्टी करने का टाइम नहीं है। और इसी से नाराज होकर धनानंद ने बोला कि भाई तू पार्टी में खलल डालता है, ए मूर्ख इंसान चल निकल, उसे बेइज्जत करके जो है निकाल देता है। तभी से चाणक्य जो बोलते हैं कि भाई अब मैं तेरा खात्मा कर दूंगा। लेकिन हम लोग इस बात नहीं करेंगे किस प्रकार से कुल मिलाकर जो है अपमानित किया था, कौन सी स्टोरी सही है कौन सी स्टोरी गलत है इसके बारे में हम लोग नहीं जाएंगे। ठीक है ना? तो चाणक्य ने शपथ ली कि भाई उसके परिवार को और उसके वंश को मैं बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर दूंगा। ठीक है ना? और बृहत कथोकोश है, इसके अनुसार जो है चाणक्य की पत्नी का नाम यशोमती था। ठीक है ना? चंद्रगुप्त और चाणक्य ने मिलकर नंदवंश की नींव को क्या किया, उखाड़ फेंका और मौर्य वंश की नींव डाली। बस इतना आपको मालूम होना चाहिए। चलिए, ये सब चीज़ें आपको मालूम चल गई, कुछ चाणक्य के बारे में मालूम चल गई। वापस हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य पर हम लोग आते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? वापस हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात करते हैं। तो मैंने कहा था कि बहुत सारे जो इतिहास हैं, बहुत सारे साहित्यिक स्रोत हैं, उसके बारे में उसको जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमें जानकारी प्राप्त होती है। और बहुत सारे इतिहासकार जो हैं उनमें मतभेद हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय वंश का था या फिर शूद्र वंश का था। ठीक है ना? तो ब्राह्मण साहित्य की हम लोग बात करते हैं तो ब्राह्मण साहित्य में इसे शूद्र कहा गया है और बौद्ध और जैन साहित्य में इसे मौर्य क्षत्रिय कहा गया है। मौर्य क्षत्रिय कहा गया है। ठीक है, अब इसके बारे में कोई मतलब नहीं है। हम लोग बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य था वो ईरान से सीमा इसकी मिलती थी। कहाँ से? ईरान से। जो पर्शिया है ना, पर्शिया को ईरान कहते थे, ईरान को पर्शिया बोलते थे। तो पर्शिया तक हमारी सीमा यानी कि मौर्य साम्राज्य की सीमा मिलती थी। आप समझ सकते हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ये दोनों हमारे भारत देश के अंदर थे। अगर हम लोग बात करते हैं पूर्वी क्षेत्र की तो पूर्वी क्षेत्र में बंगाल तक हमारी सीमा फैली हुई थी। आज जो आप बांग्लादेश देख रहे हो ना, ये बांग्लादेश भी हमारे भारत देश में उस समय पर सम्मिलित था। उत्तर की हम लोग बात करते हैं तो उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक इस साम्राज्य की सीमा फैली हुई थी। चलो ठीक है, ये भी हमें मालूम चल गया कि इसका साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य ने उस समय पर तत्कालिक यूनानी शासक था, कौन? सेल्यूकस निकेटर। इसका नाम आपने सुना होगा, सेल्यूकस निकेटर का ही कौन था,
राजदूत था जिसका नाम था क्या, मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज ने इंडिका नामक किताब लिखी थी और इंडिका के माध्यम से हमें भारत देश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ओके, लेकिन बाद में क्या हुआ, सेल्यूकस निकेटर से युद्ध होता है और सेल्यूकस निकेटर से युद्ध होने के बाद सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया जाता है और हराने के बाद संधि होती है और संधि होने के बाद क्या होता है, चंद्रगुप्त मौर्य खुशी खुशी से उसको 500 हाथी देता है। इसके बदले में सेल्यूकस निकेटर क्या देगा, उसके बदले में सेल्यूकस निकेटर जो है एरिया यानी कि हैरात, अराकोसिया यानी कांधार, जेट्रोसिया यानी कि बलूचिस्तान और पैरी पेनिस्ताई यानी कि काबुल के क्षेत्र जो हैं वो भारत को, जो चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य, चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप देता है। और इसके बाद जो है सेल्यूकस निकेटर अपनी पुत्री का विवाह जो है चंद्रगुप्त मौर्य से कर देता है जिसका नाम होता है हेलेना, ठीक है ना। तो इसके बाद जो है वैवाहिक संबंध बन जाते हैं सेल्यूकस निकेटर के साथ, तो हमारी पश्चिमोत्तर सीमा जो है वो अब सुरक्षित हो जाती है यूनानियों से, यानी कि अभी वैवाहिक संबंध हैं, जब तक सेल्यूकस निकेटर जिंदा रहेगा तब तक कोई भी आक्रमणकारी हमारे भारत देश पर आक्रमण नहीं करेगा, क्योंकि सबसे पहले सेल्यूकस निकेटर से उसको सामना करना पड़ेगा और चंद्रगुप्त मौर्य भी इसको सपोर्ट करेगा और चंद्रगुप्त मौर्य को भी समय मिल जाएगा आक्रमण से बचने के लिए। लेकिन क्या होता है, लेकिन यह होता है कि आगे आने वाले समय में मौर्य वंश के शासक क्या अपना लेते हैं, बौद्ध धर्म, और बौद्ध धर्म के बाद क्या है, युद्ध को छोड़ देते हैं, और युद्ध को छोड़ने के बाद आप जानते हैं किस प्रकार से बाहरी आक्रमणकारी हमारे भारत देश पर आक्रमण करते हैं, ठीक है, वो सब तो बात की बात है। अब आगे आप देखना चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर क्या होता है, यहाँ पर मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के पास आता है, मौर्य दरबार में सेल्यूकस निकेटर के द्वारा भेजा जाता है और सेल्यूकस निकेटर बोलता है कि भाई ऐसा है कि मौर्य वंश में चल क्या रहा है, किस प्रकार का प्रशासन है, किस प्रकार से वहाँ पर नीतियाँ चलती हैं, किस प्रकार से योजनाएँ बनाई जाती हैं, ये सभी जो है आप जाओ और सीख कर आओ, अगर कोई अच्छी चीज़ें हुई तो हम लोग भी उसको ग्रहण कर लेंगे, ठीक है ना, उसको प्रशासन में शामिल कर लेंगे। आज भी तो हमारे भारत देश में बहुत सारे राजदूत हैं, वो कहाँ हैं, वो अलग अलग देशों में भेजे जाते हैं, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो हम लोग सीखते हैं अन्य देशों से। तो इसी प्रकार से सेल्यूकस अपना राजदूत जो है, जिसे हम लोग मेगास्थनीज के नाम से जानते हैं, और इसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है जिसे हम लोग इंडिका के नाम से जानते हैं, ये इंडिका काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मेगास्थनीज जो है मौर्य के दरबार, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है और रहता है, और रहने के बाद जो है हमारे समाज के बारे में, हमारी राजनीति के बारे में, हमारे अर्थशास्त्र के बारे में बहुत सारी जानकारी देता है। ये अपनी पुस्तक इंडिका में जो है पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा बोलता है, पाटलिपुत्र को क्या बोलता है, पालीब्रोथा बोलता है, क्या बोलता है पाटलिपुत्र को, पालीब्रोथा बोलता है। मेगास्थनीज की हम लोग बात करते हैं तो मेगास्थनीज मौर्य दरबार में काफ़ी समय तक रहा था, तभी तो वो ऑब्जर्व कर पाएगा कि हमारे भारत देश का समाज किस प्रकार का था, हमारे भारत देश की राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार की थी, हमारे भारत देश का प्रशासन किस प्रकार का था। तो काफ़ी लंबे समय तक रहा और उसने अपनी पुस्तिका में इन सभी व्यवस्थाओं के बारे में यानी कि मौर्य वंश के बारे में लिखा, और इंडिका के माध्यम से हमें मौर्य वंश के बारे में सटीक जानकारी मिलती है, ये भी आप ध्यान रखना। बंगाल पर हम लोग बात करते हैं, तो बंगाल पर जब चंद्रगुप्त मौर्य की विजय जो है जब हुई थी, तो महास्थान अभिलेख में इस विजय को जो है उत्कीर्णित किया गया था। तो महास्थान अभिलेख के माध्यम से हमें बंगाल पर विजय के बारे में मालूम चलता है, ठीक है। इसकी दक्षिण भारत की विजय के विषय के बारे में जानकारी हमें तमिल ग्रंथ, हम लोग इस ग्रंथ के बारे में जानकारी डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग संगम साहित्य पढ़ेंगे। तो ये अहानूर ग्रंथ है, जो तमिल ग्रंथ है, इस ग्रंथ के माध्यम से हमें भारत की विजय, दक्षिण भारत की विजय के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। दक्षिण भारत की मैं बात करता हूँ तो इतना छोटा सा एरिया छोड़कर सारा का सारा जो ये क्षेत्र है ना, ये दक्कन का पूरा जो पठार है वो मौर्य वंश के अंतर्गत आता था, ठीक है ना। तो तमिल ग्रंथ के माध्यम से और अशोक के अभिलेख के माध्यम से हमें मालूम चलता है कि चंद्रगुप्त का प्रशासन राज्य कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था। इसी प्रकार से एक शोहगोरा, एक ताम्रपत्र है जो कि गोरखपुर में है, इसके माध्यम से भी हमें जानकारी मिलती है। बाकी आप जानते हैं महास्थान के बारे में, तो मैंने आपको बताया था किस प्रकार से बंगाल जीता था, इसके बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। और आप देखना यहाँ पर इन दो अभिलेख के माध्यम से, एक तो शोहगोरा और एक महास्थान, इसके माध्यम से हमें ये भी मालूम चलता है कि अकाल के समय किस प्रकार से राहत कार्य
चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा अपनाए गए थे। तो आप समझिए, चंद्रगुप्त का प्रशासन काफ़ी अच्छा था, इसने जनता के लिए भी काफ़ी कल्याणकारी कार्य किए। और आप ध्यान रखना, चंद्रगुप्त मौर्य को कभी राजा नहीं समझता था, वो अपने आप को जनता का सेवक समझता था और जनता का हित उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। अगर चंद्रगुप्त मौर्य खाना भी खा रहा है और जनता के सामने कोई समस्या पैदा होगी तो वो खाना छोड़ते हुए जनता के समक्ष पैदा हो जाए, मतलब खड़ा हो जाएगा। अर्थशास्त्र में भी कहा गया है कि जनता ही राजा की शक्ति का स्रोत है। अगर जनता परेशान है तो बहुत जल्द ही प्रशासन को ख़त्म कर दिया जाएगा। इतिहास में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिसके माध्यम से आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे क्रूर राजा हुए हैं और जनता ने उनको हटा दिया, या फिर कोई विदेशी आक्रमणकारी हमारे भारत देश में उसने शासन स्थापित कर लिया है, या फिर सत्ता पलट कर दी गई है। तो जनता काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज भी हमारे भारत देश में लोकतंत्र का जो आधार है वो क्या है, वो भी जनता ही है। हम लोग बात करते हैं कुछ बातें अर्थशास्त्र के बारे में, क्योंकि हमें सारी की सारी जानकारी अर्थशास्त्र से ही प्राप्त होती है। तो आप जानते हैं अर्थशास्त्र चाणक्य के द्वारा लिखा गया था और प्राचीन भारत की किस प्रकार की राजनीति थी इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है, किसके माध्यम से, अर्थशास्त्र के माध्यम से। यहाँ पर हमें जो है चक्रवर्ती सम्राट, राजा के कर्तव्य, विस्तृत कर प्रणाली, सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार की होनी चाहिए, इन सभी के बारे में जानकारी प्राप्त होती है हमें अर्थशास्त्र के माध्यम से। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, एक अभिलेख और है रुद्र दमन का। अच्छा, आप मुझे बताओ ये रुद्र दमन जो है ये किस वंश से संबंधित है, किस वंश से संबंधित है ये रुद्र दमन, किस वंश से संबंधित है आपको ये बताना है। रुद्र दमन के गिरनार अभिलेख से हमें मालूम चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिम भारत में सौराष्ट्र तक का प्रदेश जीत लिया था और यहाँ पर जो है इसने प्रत्यक्ष शासन स्थापित किया था। सौराष्ट्र कहाँ पर है, गुजरात में। प्रत्यक्ष शासन यानी कि केंद्र के अधीन था ये। ओके, इस प्रदेश में पुष्यगुप्त जो चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल था, ये पुष्यगुप्त ही सुदर्शन झील का निर्माण करवाता है। आगे आने वाले समय में इस सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण बहुत सारे राजा करवाते हैं। ठीक है, तो इसका ध्यान नाम याद रखना, सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था, एक मौर्य वंश का राज्यपाल था पुष्यगुप्त, उसने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। इसके अलावा आप ध्यान रखना, हम लोग बात करते हैं चंद्रगुप्त के अंतिम समय के बारे में। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो जैन मतानुयायी था। कौन था वो, जैन मतानुयायी। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अगर ये क्षत्रिय वंश का राजा होता तो ये जैन धर्म कभी अपनाता नहीं। बहुत सारे ऐसे शूद्र राजा हुए हैं, जैसे कि हम लोग नंद वंश की बात करते हैं, नंद वंश ने भी जैन धर्म को सपोर्ट किया था। हम लोग बात करते हैं हर्यक वंश ने भी जैन धर्म को सपोर्ट किया था। तो अगर ये शूद्र जाति का अगर ये क्षत्रिय जाति का होता तो ये ब्राह्मण धर्म को सपोर्ट करता, लेकिन शूद्र जाति का होने के साथ साथ इसने जैन धर्म, वो सब वाद विवाद हैं, कोई मतलब नहीं है इन सब चीज़ों से। आगे आने वाले समय में अशोक किस प्रकार से बौद्ध धर्म को अपना लेता है, अगर ये क्षत्रिय वंश के होते कभी बौद्ध और जैन धर्म को नहीं अपनाते, ये एक मत है इतिहासकारों का इनकी जाति के बारे में पता करने के लिए। ओके, चलिए, उसने अपने जीवन के जो अंतिम चरण हैं, अंतिम चरण में पुत्र के पक्ष में सिंहासन छोड़ दिया, यानी कि उसने बोला कि भाई अब आप ही कारभार संभालो, अब मुझे जो है संन्यास ग्रहण करना है। क्या करना है, संन्यास ग्रहण करना है मुझे, अब ये संसार रूपी भवसागर से मोक्ष प्राप्त करना है, मोक्ष की प्राप्ति करना है, यानी कि कैवल्य की प्राप्ति करना है, अब राजपाट से मेरा कोई मतलब नहीं है। तो बिंबिसार उसका उत्तराधिकारी था, बिंबिसार के ऊपर राज्य का कारोबार छोड़कर जो है अब वो श्रवण बेलगोला चला जाता है। श्रवण बेलगोला में जाकर जो है ये संथारा प्रथा के माध्यम से, संलेखना प्रथा के माध्यम से ये जो है अपने शरीर को त्याग देता है। मैंने आपको जब जैन धर्म पढ़ाया था तब मैंने आपको संलेखना प्रथा और संथारा प्रथा दोनों के बारे में मैंने आपको बताया था। संलेखना प्रथा क्या होती है, उपवास किया जाता है और उपवास के बाद जो है खाना पीना छोड़ दिया जाता है, और खाना पीना छोड़ दोगे तो ऑब्वियसली एक समय के बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी। ये श्रवण बेलगोला आप जानना, ये कर्नाटका में है। यहाँ पर क्या है, महाबलेश्वर की एक मूर्ति है बहुत बड़ी, जिसमें हर 12 साल के बाद जो है महामस्तकाभिषेक नामक पर्व जो है आयोजित किया जाता है। वहाँ पर उस मूर्ति को जो है दूध से नहलाया जाता है, ठीक है ना, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जैन धर्म के अनुयायियों के लिए। ओके, चलो ठीक है, यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य का चैप्टर जो है वो समाप्त हो जाता है। हम लोग अब मूल्यांकन की बात करते हैं कि UPSC अगर पूछेगा
तो चंद्रगुप्त और चाणक्य के पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं पूछेगा कि किस प्रकार से चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को चुना या फिर चंद्रगुप्त मौर्य की जो है जाति क्या है, इसके बारे में कभी क्वेश्चन यूपीएससी पूछता नहीं है। तो यूपीएससी कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा? यूपीएससी चंद्रगुप्त मौर्य का मूल्यांकन पूछेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य किस प्रकार का वो था राजा, सहिष्णु था या फिर असहिष्णु था, दूरदर्शी था या फिर उसको मालूम ही नहीं था, योजना उसकी सफल हो पाई या फिर नहीं हो पाई, क्या उसे हम लोग एक महान राजा बोल सकते हैं, हम लोग क्या उसे एक महान विजेता बोल सकते हैं, इन सभी के बारे में यूपीएससी जो है अक्सर पूछता रहता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य एक महान विजेता था, इसे हम लोग एक महान विजेता की संज्ञा दे सकते हैं। ये एक अच्छा खासा साम्राज्य निर्माता था। आप जान सकते हैं कि इसने एक बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना की थी जिसकी सीमा ईरान तक लगती थी। ये एक कुशल प्रशासक था क्योंकि इसके समय पर जनता काफ़ी खुश थी, और कहा जाता है कि एक बूढ़ी औरत भी सोने से भरा घड़ा लेकर जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक रात्रि में यात्रा कर सकती थी, यानी कि इतनी सुरक्षा थी यहाँ पर। आज के समय में भी तो ऐसी नहीं है कि सोने से बड़ा भरा जो घड़ा है आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाओ, बीच में अगर मालूम चल गया किसी को तो वो लूट के ले जाएगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर, चाणक्य के समय पर, आप समझ सकते हैं किस प्रकार से हमारी प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी थी। अगर हम लोग बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के मूल्यांकन के बारे में, उसके बारे में, तो इसने प्रशासनिक योग्यता अपनी प्रशासनिक योग्यता के बल पर जो है एक बहुत बड़ी जो है व्यवस्था स्थापित की थी। इसके समय पर सभी लोग खुश थे, किसान खुश थे, अधिकारी खुश थे, राजपुरोहित जो होते हैं वो खुश थे, सभी लोग खुश थे। तो इसने प्रशासनिक योग्यता को जो है प्रूफ किया कि एक अच्छा राजा बनने के लायक है ये। और आप ध्यान रखना, आगे आने वाले समय में जो प्रशासनिक व्यवस्था चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित की गई थी वो जो है आगे भी चलती रहती है, यानी कि अशोक के समय पर, बिंबिसार के समय पर, और अंतिम जो मौर्य शासक होता है बृहद्रथ उसके समय पर। आप ध्यान रखना कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने इतने बड़े साम्राज्य की स्थापना की, उसका प्रमुख रीज़न क्या था? उसका गुरु कौन था? चाणक्य। उसकी नीतियाँ और योजनाएँ इतनी सटीक हुआ करती थी भाई साहब, उससे जीतना काफ़ी मुश्किल था। देखो, चंद्रगुप्त मौर्य को ज़रूरत थी एक गुरु की, उसको मिल गया चाणक्य। चाणक्य को ज़रूरत थी एक ऐसे शिष्य की जो कि पूरी तरह से समर्पित हो। अगर गुरु के प्रति आप बिल्कुल भी समर्पित नहीं हो तो गुरु कितनी भी मेहनत कर ले, गुरु कितना भी आपको समझा ले, कभी भी गुरु के ज्ञान को आप ग्रहण नहीं कर सकते हैं। आप गुरु के प्रति आपकी आस्था नहीं है, गुरु के प्रति आपकी समर्पण की भावना नहीं है, तो कभी आप उसके द्वारा सिखाए हुए ज्ञान को कभी भी आप सीख नहीं पाओगे। एक बात हमेशा ध्यान में रखना, ये बात तो गीता में भी लिखी हुई है। तो चंद्रगुप्त एक ऐसा शासक था जिसने चाणक्य की बातों को बिल्कुल आत्मसात किया, जैसा कहा वैसा उसने कहा। एक बार चंद्रगुप्त मौर्य को अपनी 17 साल की उम्र में जो है प्यार हो जाता है, उसके बाद चाणक्य से पूछता है वो कि भाई दिक्कत क्या है, है ना? तब ये बोलता है कि नहीं, आप एक चक्रवर्ती सम्राट बनने की योजना बना रहे हो, उसके लिए डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। उसने महिलाओं की बुराई नहीं करी कि भाई महिलाओं से आप दूर रहो, ऐसा वैसा कुछ लोग जो हैं चाणक्य के बारे में बोलते हैं कि चाणक्य ने बहुत सारी जो है महिलाओं की बुराई करी है, उसने ऐसा नहीं बोला। उसने ये बोला कि नहीं, चाणक्य ने बोला कि नहीं, अभी आपको 1% भी डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, अभी आप मगध के राजा नहीं बने हो, अभी आप मगध के उत्तराधिकारी नहीं बने हो, अभी आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, और शिक्षा ग्रहण करते समय ये डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, क्लियर है? तो स्त्री की बुराई, तो वो जो है चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की बात को मान भी लेता है और वो ये बोलता है कि चलो कोई बात नहीं है, हम लोगों का हो गया ब्रेकअप, ठीक है। तो उसकी जो गर्लफ्रेंड होती चंद्रगुप्त मौर्य की, वो पूछती कि भाई साहब चाणक्य जी हमें ये बताइए कि भाई इसमें प्रॉब्लम क्या है, पढ़ता रहेगा और थोड़ी बहुत आज की भी कर लेंगे। तो वो ये बोलता है कि हे मूर्ख औरत, तुझे ये पता नहीं है जब ये युद्ध पर जाएगा और एक राज्य को जीतेगा, जब ये युद्ध पर जाएगा उस समय पर भावनात्मक रूप से अगर ये जरा सा भी कमज़ोर हुआ तो इसकी मौत तय है। युद्ध में जब इसे युद्ध के बारे में सोचना चाहिए, कहीं ना कहीं जो है वो तेरे बारे में सोचेगा कि भाई, है ना, समझिए आप, ठीक है? तो भावनात्मक रूप से कमज़ोर ये तेरे को बना देगा, मतलब चंद्रगुप्त बन जाएगा, और मैं चाहता नहीं हूँ कि युद्ध में ये तेरे बारे में सोचे, ना कि युद्ध के बारे में सोचे, इसलिए बोल दिया कि भाई तुम जाओ
तो कुल मिलाकर चाणक्य जो है क्या करवा देता है, ब्रेकअप करवा देता है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो पढ़ाई लिखाई का टाइम हो तो पढ़ाई लिखाई के टाइम पर आप भी आशिकी ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद कुछ बन जाए, उसके बाद तो आप जानते हैं, देखो चंद्रगुप्त मौर्य भी राजा बन गया, उसके बाद उसने भाई यूनानी जो आपका वो था मेगास्थनीज, उसकी लड़की के साथ विवाह कर लिया। उसके मेगास्थनीज ने खुद अपनी लड़की को मतलब विवाह के लिए भेज दिया कि जाओ भाई चंद्रगुप्त मौर्य से विवाह। तो एक बार भाई IAS YAS बन जाओ, और लड़की वड़की की बात तो बहुत दूर की बात है, मतलब हर एक बाप चाहेगा कि भाई इस लड़के से मेरी लड़की की शादी हो जाए, है ना। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि भाई ठीक है ना, समझ गया ना, लड़की के पीछे भागोगे तो लड़की नहीं मिलेगी। अगर IAS YAS बन जाओगे, अपने लक्ष्य के पीछे भागोगे, तो सबकी सब जो है ना आपके प्रति जो है आपके पीछे भागेंगे। तो आप भागो लक्ष्य के पीछे और आपके पीछे जनता भागेगी, फिर आपका प्यार भी पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। हर चीज़ का एक समय आता है, तो अभी आपका समय नहीं है आज की करने का। बहुत सारे बच्चे जो हैं यहाँ पर ये चीज़ें करते हैं, नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो देखो चाणक्य ने भी तो कहा था ना, जैसे हम लोग फास्ट करते हैं, हम लोग व्रत करते हैं, व्रत का मतलब क्या है, हम लोग अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करते हैं। मैं ये नहीं बोलता कि व्रत के माध्यम से जो है ईश्वर की प्राप्ति होती है या फिर ईश्वर खुश होते हैं या फिर हमारी जो मनोकामना है वो पूर्ण होती है। अगर ऐसा लोग बाग सोचते हैं ना कि भाई इससे ईश्वर जो है खुश हो जाते हैं, मनोकामना पूर्ण हो जाती है, भैया ईश्वर कभी भी ये नहीं चाहेगा कि आप भूखे रहो, अपने शरीर को कष्ट करो। जिस प्रकार से पिता कभी ये चाहता है कि उसका बेटा भूखा रहे, उसको जहाँ भी दिखता है कि भाई बेटे को भूख लग रही है तो अपनी रोटी भी उठाकर वो बेटे को खिला देता है। तो ईश्वर कौन है, ईश्वर हमारे पिता हैं, है ना। मैं धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आप हर धर्म में ले सकते हैं, ईश्वर पिता हैं। ईश्वर कभी नहीं चाहेंगे कि उसका बेटा भूखा रहे, उसको खुद को कष्ट होता है। तो ये सोचकर कभी भी व्रत मत कीजिए कि हमारी मनोकामना पूर्ण करने के लिए या फिर ईश्वर खुश हो जाएंगे इसलिए व्रत करते हैं। व्रत इसलिए करना चाहिए, इससे क्या है आपको इच्छा शक्ति जो है उस पर कंट्रोल हो जाता है। ओके, व्रत में आपके सामने बहुत सारे पकवान होते हैं ना, लेकिन आपकी इच्छा शक्ति जो है बहुत होती है कि भाई आपको ये पकवान खाने चाहिए, लेकिन आप सोचते नहीं आप व्रत किया है मैंने तो मैं नहीं खाऊंगा, भाई सीधी सी बात ये है। तो इच्छा शक्ति जो है उसको कंट्रोल में, उसको नियंत्रण में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप खुश रह पाओगे, तभी आप संतोष आपको मिल पाएगा। क्लियर है। तो व्रत क्यों करते हैं हम लोग, क्योंकि जिससे हम लोग अपनी इच्छा शक्ति पर, अपनी इंद्रियों पर जो है नियंत्रण स्थापित करना सीख जाएं। ओके चलो ठीक है, व्रत का मतलब, फास्ट का मतलब आप समझ में आ गया है ना। अब जब भी फास्ट करें तो इस बात को ध्यान में रखना, मैंने क्या बोला था, ईश्वर कभी भी खुश नहीं होता है। और वैसे भी आप जानते हैं कि साइंस भी इस बात को मानता है कि हफ्ते में एक बार आपको फास्ट करना चाहिए। क्यों फास्ट करना चाहिए, क्योंकि वैज्ञानिक बोलते हैं कि जो भी ऐसे जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं जो निकल नहीं पाते हैं हमारे शरीर से, तो वो क्या है, डाइजेस्ट हो जाते हैं, यानी कि वो मतलब ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, क्योंकि जब कुछ मिलेगा नहीं खाने में तो भाई उसी का शरीर जो है यूज़ कर लेगा। ठीक है, तो फास्ट क्यों किया जाता है, समझ गया ना। अब कोई भी मनोकामना के लिए जो है फास्ट ना करें, अगर आपको फास्ट करना है तो आप समझ जाइए कि भाई आप मन की सुख की प्राप्ति के लिए और शरीर को स्वस्थ करने के लिए फास्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं जैन धर्म के मतानुसार चंद्रगुप्त मौर्य एक राज ऋषि था जिसने जीवन के अंतिम दिनों में सुख वैभव को त्याग कर जो है जैन धर्म के अनुसार जो है क्या किया, अपना शरीर त्याग दिया। इसके बाद बात आती है किसकी, बिंदुसार की। इसके बाद बात आती है बिंदुसार की, लगभग 298 ईसा पूर्व से लगभग 273 ईसा पूर्व, लगभग 298 ईसा पूर्व से लगभग 273 ईसा पूर्व के समय पर इसका शासन था। अब बिंदुसार की हम लोग बात करेंगे। बिंदुसार की बात करने से पहले सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बिंदुसार के बारे में थोड़ा सा हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे। ठीक है ना, तो ये तो आप जानते हैं कि बिंदुसार की राजधानी कौन सी थी, वही थी पाटलिपुत्र, और किस पर शासन कर रहा था, मगध पर। तो चंद्रगुप्त मौर्य इतना प्रतापी शासक था कि एक लंबे समय तक जो है उसका प्रशासन में चलता रहा आराम से। ठीक है ना, किसी भी अधिकारी ने विद्रोह नहीं किया, सेनापति ने तख्ता पलट नहीं किया। हालांकि बिंदुसार के समय पर इतनी कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं हुई, आराम से स्मूथली चलता गया और इसने भी स्मूथली प्रशासन को संभाल लिया। लेकिन जब अशोक आता है, अशोक के आने के समय पर राजगद्दी के लिए बहुत सारा संघर्ष पैदा हो जाता है, आंतरिक संघर्ष पैदा हो जाता है राजगद्दी के लिए। ठीक है ना, आंतरिक षड्यंत्र स्टार्ट हो जाता है, ऊपर से
बाहरी जो विदेशी आक्रमणकारी हैं इनसे भी खतरा बढ़ जाता है, साथ साथ में जो आपके छोटे मोटे राज्यपाल होते हैं ना ये भी स्वतंत्रता की घोषणा कर देते हैं। अशोक इन सभी समस्याओं को खत्म करते हुए मजबूत मौर्य वंश की स्थापना करता है। तो बिंदुसार के समय पर ऐसी कोई भी घटना नहीं होती है जो याद रखने योग्य हो, तो बहुत जल्द ही हम लोग बिंदुसार को ख़त्म कर देंगे। आप ध्यान रखना, बिंदुसार जो है इसको अमित्रघात के नाम से भी जानते हैं। इसका मतलब क्या होता है? शत्रु का विनाशक। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? शत्रु के विनाशक के रूप में हम लोग जानते हैं। बिंदुसार को वायु पुराण में, भद्रसार, मद्रसार और जैन ग्रंथों में इसे सिंहसेन कहा गया है। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, ठीक है? ओके, चलिए अब हम लोग 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं। 10 मिनट के ब्रेक के बाद वापस मिलते हैं और उसके बाद जो है हम लोग वापस पढ़ते हैं, ठीक है? रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, टी ब्रेक लेते हैं। वापस आना है आप सभी लोगों को, ठीक है ना? वापस आना है। ये है आपका टी ब्रेक। अभी कितना टाइम हो रहा है? अभी 8:11 हो रहे हैं, तो हम लोग 8:21 पर हम लोग वापस मिलते हैं, ठीक है? ओके, चलिए मैं म्यूट कर देता हूं जिससे बैकग्राउंड आवाज आपको परेशान ना करे।
शुरुआत करते हैं। हम लोगों ने बिंबिसार के बारे में कुछ बातें कर ली थी और बिंबिसार को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। टी ब्रेक हमारा ख़त्म हो चुका है और वापस आप आइए अपने सेशन पर, ठीक है। बहुत सारा टाइम पास हो चुका है, सारे के सारे वापस आ जाइए। चलिए, तो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन हुआ? ये हुआ बिंदुसार। ये लगभग 298 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व से लेकर 273 ईसा पूर्व तक शासन करता है। इसे मैंने कहा था, इसे अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। और अमित्रघात का मतलब क्या होता है? शत्रु का विनाशक। अमित्रघात का मतलब क्या होता है? शत्रु का विनाशक। ओके, बिंदुसार को वायुप्राण में भद्रसार और मद्रसार और जैन सहात मैं जो है सिंहसेन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। स्टेट पीसीएस का एग्जाम हुआ या फिर वनडे एग्जाम होते हैं, इन वनडे एग्जाम में और स्टेट पीसीएस के एग्जाम में कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। स्ट्रैबो क्या बोलता है? स्ट्रैबो बोलता है कि सीरिया का शासक जो था, कौन था सीरिया का शासक उस समय पर? एंटियोकस प्रथम। ये एंटियोकस प्रथम है, ये डाइमेकस जो अपना राजदूत है, इस डाइमेकस राजदूत को कहां भेजता है? बिंदुसार के दरबार में। जिस प्रकार से मेगस्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में आता है, उसी प्रकार से कौन आता है? डायमेकस। और ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है तो थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। ओके, चलिए। और इसके बाद क्या होता है? बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में दो विद्रोह का वर्णन मिलता है। मैंने क्या कहा? जैसे ही मजबूत शासक केंद्रीय सत्ता में नहीं रहेगा, वैसे ही विद्रोह की संभावना और विद्रोह की आशंका जो है बढ़ती जाती है। तो ऑब्वियसली बिंदुसार के समय पर, यानी कि चंद्रगुप्त की मौर्य के बाद विद्रोह होना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन उस समय पर जो अधिकारी होते हैं, वो अधिकारी काफ़ी ईमानदार होते हैं और बिंदुसार के प्रति जवाबदेहता उनकी होती है। तो बहुत जल्दी तक्षशिला में जो विद्रोह होते हैं, उन विद्रोह को दबा दिया जाता है। ऐसा कुछ टेंशन नहीं होता है, ठीक है। तो बिंदुसार जो है अपने बेटे को भेजता है इस विद्रोह को समाप्त करने के लिए। पहले सुसीम को भेजता है, उसके बाद अशोक को भेजता है। देखो, बिंदुसार चाहता था कि सुसीम को उत्तराधिकारी यानी कि राजा बनाया जाए, लेकिन अशोक ने अपने ही बल पर, अपनी कुशलता के बल पर जो है राजगद्दी हासिल करी। उसने खुद ने ही अपना राज्य अभिषेक करवा लिया था जब बिंदुसार की मृत्यु हुई थी, ठीक है। तो सुसीम को बनाना चाहता था, लेकिन सुसीम कुशल नहीं था, दक्ष नहीं था अशोक के अनुसार। लेकिन बिंदुसार के अनुसार सुसीम एक कुशल और देख दक्ष राजा था। लेकिन अशोक, वो तो सब आप जानते ही हैं, जो कुशल होगा, जो सक्षम होगा, वही बनेगा राजा। अशोक ने अपने भाई सुसीम और 100 अपने जो उत्तराधिकारी के लिए प्रतिस्पर्धा में शामिल थे भाइयों को मौत के घाट उतार दिया, ऐसा कहा जाता है विष्णु पुराण में। लेकिन वाकई में उसने अपने भाइयों की हत्या की या फिर नहीं की, इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त नहीं होती है। अशोक जो कहा जाता है, अशोक बहुत ही मतलब बदसूरत टाइप का बोल सकते हैं, इतना अट्रैक्टिव राजा नहीं था, इतना खूबसूरत नहीं था। खूबसूरत तो खैर महिलाएं होती हैं, इतना हैंडसम नहीं था। ओके, और चलो वो छोड़ो, वो पर्सनल लाइफ है, उसके बारे में कोई बात हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है ना। एथिनियस नामक एक अन्य यूनानी लेखक जो है वो बिंदुसार के बारे में बताता है कि भैया सीरिया का जो शासक था ना एंटियोकस प्रथम, ये एंटियोकस प्रथम के साथ जो है इसके साथ बहुत ही अच्छे संबंध थे। हमारा व्यापार वाणिज्य भी काफ़ी अच्छा चल रहा था और आप समझ सकते हैं कि भारतीय शासक ने वहाँ से कुछ चीज़ें मंगवाई, सूखी अंजीर, अंगूरी मदिरा और एक दार्शनिक, ठीक है ना। और दार्शनिक के रूप में कौन आया था आप याद है? डाइमेकस आया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे अच्छे खासे संबंध थे सीरिया के साथ में। अब हम लोग बात करते हैं, सीरियाई सम्राट ने दो चीज़ें भिजवा दी, क्या? अंगूरी मदिरा और सूखी अंजीर, ठीक है ना। परंतु तीसरी मांग के संबंध में कहा कि यूनानी कानून के अनुसार दार्शनिकों का विक्रय नहीं किया जा सकता। सॉरी, मैंने आपको जो बताया था, क्या बताया था मैंने आपको? मैंने आपको जो बताया था, एक वो था राजदूत डायमेकस। तो डायमेकस जो था वो अपनी मर्जी से आया था, है ना। और ये जो था ये बोल रहा था कि एक दार्शनिक भिजवा दो, उसके मैं पैसे पे करूँगा आपको। तो उसने कहा कि भाई यूनानी सभ्यता के अनुसार जो है हम लोग दार्शनिकों को बेचते नहीं हैं, अगर आपको चाहिए तो हम लोग वैसे ही आपको दे देते हैं, ठीक है ना। तो उसने दार्शनिक नहीं भेजा, लेकिन लास्ट में जो है उसने दार्शनिक भिजवा दिया था, लेकिन उसके पैसे नहीं लिए थे उसने। मिस्र के शासक टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायनोसियस नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा। तो आप ध्यान रखना,
यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना, और क्वेश्चन आए भी हैं कि कौन कौन से आपके विदेशी राजदूत आए थे और किसके समय पर आए थे, बिंदुसार के समय पर या फिर अशोक के समय पर, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। दिव्या वदान, आपको मुझे ये बताना है ये जो साहित्यिक स्रोत है दिव्या वदान, ये किस धर्म से संबंधित है। दिव्या वदान साहित्यिक स्रोत से हमें मालूम चलता है कि यहाँ पर एक ज्योतिषी थे जिनका नाम था पिंगल वत्स, ये यहाँ पर निवास करते थे और ये आजीवक संप्रदाय के थे। किसके थे? आजीवक संप्रदाय के। कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताओ कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, ठीक है, फटाफट। ये मैं क्वेश्चन जो आपको पूछता रहता हूँ ना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आप सभी लोगों के लिए, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। और आप जानते हैं बिंदुसार के समय पर भी चाणक्य प्रधानमंत्री होता है। अब आप बोलोगे यार चंद्रगुप्त मौर्य जो कैवल्य की प्राप्ति के लिए कर्नाटक के श्रवण वेलगोला में चला जाता है, लेकिन चाणक्य प्रधानमंत्री बनता है, तो चाणक्य की अनुमति लेने के बाद ही चंद्रगुप्त मौर्य क्या है जाता है, और चंद्रगुप्त मौर्य स्वेच्छा से जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य अब इस राजपाट से, अब इस संसार रूपी भवसागर से क्या चाहता है? मुक्ति चाहता है। आप समझना, चंद्रगुप्त मौर्य के समय भी प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य। बिंदुसार के समय पर भी कौन था प्रधानमंत्री? चाणक्य। और अशोक के समय पर भी प्रधानमंत्री कौन होगा? कौन होगा? चाणक्य। सॉरी, अशोक के समय पर नहीं होगा, बिंदुसार के समय पर ही चाणक्य जो है छोड़ के चले जाते हैं। बिंदुसार आरोप लगाता है किसके ऊपर? चाणक्य के ऊपर। देखो मैं आपको बताऊं कि एक आंतरिक संघर्ष जो है ना वो चलता है, इसी प्रकार से आंतरिक संघर्ष चल रहा था, और कुछ लोग विरोधी लोग थे, विरोधी पक्ष के थे, वो जानते थे कि जब तक चाणक्य इस राज्य में रहेगा, है ना, जब तक चाणक्य रहेगा तब तक भाई विद्रोह करना मुश्किल हो जाएगा, ये विद्रोह को बिल्कुल पनपने नहीं देगा। तो सबसे बड़ा कांटा था वो क्या था? चाणक्य। तो चाणक्य को कैसे निकाला जाए? चाणक्य को ऐसे निकाल नहीं सकते थे क्योंकि चाणक्य की प्रतिष्ठा काफ़ी ज़्यादा थी और बिंदुसार काफ़ी समर्पित था उसके लिए। जिस प्रकार से उसका बाप समर्पित था चंद्रगुप्त मौर्य, उसी प्रकार से बिंदुसार समर्पित था। तो भाई एक योजना बनाई गई और बिंदुसार को भड़काया गया चाणक्य के खिलाफ। बिंदुसार से कहा गया कि आपकी माँ की हत्या किसने की थी? ये चाणक्य ने की थी। ओके, उसको बोला जाता है कि आपकी माँ की हत्या किसने की थी? चाणक्य ने। और खूब भड़काया जाता है। तो चाणक्य को ये खूब सुनाता है बिंदुसार, और चाणक्य तो हकीकत जानता है कि क्या हुआ था। बाद में उसकी जो दाई माँ होती है बिंदुसार को समझाती है और बोलती है देखो भाई साहब ऐसा है कि एक बार आपके पिताजी खाना खा रहे होते हैं और आपकी माताजी जो है उनके खाने को चख लेती है और उस खाने में क्या होता है? जहर होता है। क्या होता है? जहर होता है। तो उनकी तबीयत खराब हो जाती है और आप गर्भ में होते हो और माता का बचना यानी कि आपकी माँ का बचना जो है बिल्कुल मुश्किल था, इसीलिए आपको जो है गर्भ से निकालने के लिए उनका पेट फाड़ दिया गया है ना। गलत तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। चाणक्य को आपकी माता का हत्यारा कहना बिल्कुल भी उचित नहीं है, जबकि आपकी उन्होंने जान बचाई। अगर आप गर्भ में रहते तो आप मर जाते। उसके बाद बिंदुसार जो है चाणक्य को बहुत ढूंढते हैं लेकिन चाणक्य जो है कहीं नहीं मिलते हैं। चाणक्य की मृत्यु किस प्रकार से हुई इसके बारे में कोई जानकारी इतिहास के साहित्यिक स्रोत में हमें नहीं मिलती है, ठीक है ना। वो सब छोड़ो, ये कुछ पर्सनल बातें हैं जो आपको हमें, देखो पर्सनल बातें लगती बहुत अच्छी हैं और मैं आपको ऐसी बहुत सारी घटनाओं के बारे में बता भी सकता हूँ, लेकिन कोई सेंस नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में पूछने का और इन सब चीज़ों के बारे में बताने का, है कि नहीं। बहुत सारे एजुकेटर हैं जो यही स्टोरी सुनाते रहते हैं और आप सभी लोगों को बहुत आनंद आता है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। बस मैं तो आपको बस आप एक तरह से आप एंटरटेनमेंट की तरह आप इस स्टोरी को लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है ना। अशोक का पुत्र कौन होता है? बिंदुसार, मैंने कहा था। अशोक तलवार के बल पर जो है क्या करता है? शासन ग्रहण करता है तलवार के बल पर। अपने 100 भाइयों की हत्या करने के बाद जो है अशोक गद्दी पर बैठता है। तो आप जानते हैं कि भाई इतना संघर्ष करने के बाद जब कोई राजा बनेगा तो ऑब्वियसली वो एक सक्षम और एक कुशल राजा होगा, वरना विरासत में कोई गद्दी मिलती है, जैसे कि आप जानते हैं मुगल काल के समय पर विरासत में बहुत गद्दी प्राप्त हो जाती है बहुत सारे कमजोर शासकों को, और वो दारू और नशे में जो है चूर रहते हैं, तो वो अपने इतने बड़े साम्राज्य को संभाल नहीं पाते हैं। जो भी संघर्ष कर गद्दी को प्राप्त करता है कुशल और सक्षम है, अशोक भी कुशल और सक्षम था। आगे आने वाले समय में मौर्य साम्राज्य की जो सीमा है वो आप समझ सकते हैं उसका विस्तार करता है। वैसे भी ईरान तक सीमा तो मिलती थी, और हम लोग पूर्वी भारत की बात करते हैं तो पूर्वी भारत में बंगाल तक सीमा मिलती थी और दक्षिण भारत में सीमा
जो थी वो कम थी, तो कलिंग राज को जीतने के बाद भी दक्षिण भारत के बहुत सारे राज्यों को वो जीत लेता है और दक्षिण भारत के बहुत सारे राज्यों को कर देने पर बाध्य करता है। हम लोग कुछ अशोक के प्रारंभिक जीवन के बारे में बात करते हैं। अशोक जो था वो उज्जैन का राज्यपाल था, तो मध्य प्रदेश में अशोक के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। कहाँ का था उज्जैन? उज्जैन कहाँ पर आता है? मध्य प्रदेश में। जैन अनुश्रुति के अनुसार क्या कहा जाता है? अशोक ने बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध मगध के शासन पर अधिकार कर लिया था। मैंने क्या कहा था? जो बिंदुसार था वो चाहता था कि भाई सुसीम गद्दी पर बैठे, लेकिन उसने उसकी हत्या कर दी और बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात वो खुद गद्दी पर बैठ गया, ठीक है ना। और सिंहली अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर जो है सिंहासन प्राप्त किया था। आप समझ सकते हैं ये गद्दी बहुत ही हत्याएं करवाती है। आज भी तो हमारे भारत देश में ये राजनेताओं की जो गद्दी होती है, मंत्री संतरी जो बनते हैं, विधायक सांसद बनते हैं, तो आपको क्या लगता है कैसे बन जाते हैं? जाने कितनों की हत्याएं होती हैं, जाने कितनों के साथ जो है गलत व्यवहार होता है, आपको पता नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में, ठीक है ना। अशोक के जीवन के बारे में और भी हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर आप ध्यान रखना, महाबोधि वंश और तारानाथ के अनुसार सत्ता प्राप्ति के लिए गृह युद्ध में अपने भाइयों का वध करके अशोक ने साम्राज्य प्राप्त किया था। ये महाबोधि वंश और तारानाथ भी इसी बात को कहते हैं। अशोक के उसके जो अभिलेख हैं, उस अभिलेख में अशोक को देवनाम प्रियदर्शी के नाम से जाना गया है। यानी अशोक अपने इस अपराध को छुपाने के लिए आगे आने वाले समय में इतिहास उसके इस अपराध को भुला दे, इसलिए उसने खुद को ही देवनाम प्रियदर्शी की उपाधि दे दी। तो देवनाम प्रियदर्शी का मतलब देवों का प्यारा, मतलब ये साबित करना चाहता था कि भाई मैं बहुत ही अच्छा शासक हूँ, ठीक है ना। वो बात की बात है, हर एक शासक यही काम करता है, इतिहास को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करता है। और एक बात और ध्यान रखना, बहुत सारे जो इतिहासकार हैं वो आलोचना करते हैं और कहते हैं कि अशोक जो था वो बौद्ध धर्म के प्रति जो है ज़्यादा ईमानदार था, और उसका पर्सनल धर्म था वो था बौद्ध धर्म, और बौद्ध धर्म के अलावा वो किसी और धर्म को सपोर्ट नहीं करता था। अब आप समझिए, ये देवनाम प्रियदर्शी ये एक संस्कृत शब्द है, और देवों का प्यारा कहने का मतलब आप समझ सकते हैं कि ये हिंदू धर्म के प्रति भी सहिष्णु था, हिंदू धर्म के प्रति भी ये उदार नीति अपनाता था। वरना आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म में तो देवताओं और देवियों को माना नहीं जाता, वो तो नास्तिक धर्म है वैसे भी। चलो ठीक है, ये आपको मालूम चल गया। अब आप ध्यान रखना, अशोक का जो अशोक नाम है वो कौन कौन से अभिलेख में मिलता है? मास्की में, गुजरा में, नेटूर में और उदय गोलम में। आप बोलोगे सर ये सब चीज़ें आप पढ़ा रहे हो, क्या एग्जाम में पूछी जाएंगी? तो मैं यही बोलूँगा कि हाँ, एग्जाम में पूछी जाएंगी और एग्जाम में पूछी गई हैं। अभी आगे आने वाले समय में मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊँगा, तब आपको समझ में आएगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं पुराणों में, तो पुराणों में अशोकवर्धन तथा दीपवंश में इसे करमोली कहा गया है। अगर बहुत सारे नाम आ जाए ना यूपीएससी में, देवनाम प्रियदर्शी, अशोक, अशोकवर्धन या फिर करोमली, है ना, अशोक के कौन कौन से नाम थे, तो ये तीनों नाम थे। अशोकवर्धन तो आप समझ जाओगे, अशोक आप समझ जाओगे, ऊपर से देवनाम प्रियदर्शी को याद रखना और एक करमोली को याद रखना, ठीक है ना। इसके अलावा राज्य अभिषेक से संबंधित जो इतिहास है, जो घटना है, वो हमें किससे प्राप्त होती है? वो हमें मास्की अभिलेख से प्राप्त होती है। और अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा, ठीक है ना। अब पता नहीं क्यों कहा, ये मुझे पता नहीं है। नोट की हम लोग बात करते हैं, 1750 में टी फेतलर ने सबसे पहले दिल्ली अशोक के स्तंभ का पता लगाया। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है, ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। सबसे पहले दिल्ली के अशोक के स्तंभ का पता लगाया, किंतु अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये मत सोचना कि पूछा हुआ नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्लियर है। चलिए तो आगे हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? कलिंग युद्ध के बारे में। ये कलिंग युद्ध जो है बहुत ही निर्णायक युद्ध साबित हुआ था। आप जानते हैं कलिंग युद्ध के बाद किस प्रकार से अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और अशोक ने जो है अपना धर्म छोड़कर जो है बौद्ध धर्म अपना लिया, और यहाँ से हिंसा का जो दौर है वो समाप्त हो जाता है। इसके पश्चात वो धर्म के माध्यम से, धर्म के
माध्यम से जो है क्या करता है, अपने राज्य को संचालित करता है। इसके पश्चात वो धर्म के माध्यम से राज्य का संचालन करता है, ठीक है ना। कलिंग युद्ध आप ध्यान रखना, जो उसका राज्य अभिषेक हुआ था, राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष तक, यानी कि 8 साल तक इसने इतनी मारकाट करी, इतनी मारकाट करी, इतनी मारकाट की जिसकी कोई हद नहीं है। आप समझ सकते हैं, इसने अपने खुद के भाइयों की हत्या कर दी, 100 भाइयों की हत्या करी थी इसने। तो चलो ठीक है, 8 वर्ष के शासन काल के समय, यानी कि बहुत छोटी अवधि है, कोई ज़्यादा बड़ी अवधि नहीं है, इसने मारकाट कर जो है अपने राज्य का विस्तार किया। लेकिन 9वें साल में, यानी कि 261 ईसा पूर्व के समय पर, जब कलिंग पर आक्रमण करता है, और कलिंग पर आक्रमण करने के बाद जब उसको एहसास होता है कि मैंने कितने सारे अनाथ बच्चे कर दिए, मैंने कितने सारे बच्चों को अनाथ कर दिया, मैंने कितनी सारी महिलाओं को विधवा कर दिया, किस प्रकार से किसानों की हत्या हुई, आम जनता की हत्या हुई, ये सभी दृश्यों को देखकर वो उसका जो है हृदय परिवर्तन होता है। उसके बाद उसका मन काफ़ी विचलित रहता है, उसको नींद नहीं आती है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अशोक जो है, अशोक को एक बौद्ध भिक्षु दिखाई देता है, और उस बौद्ध भिक्षु से वो बौद्ध धर्म की शिक्षा लेता है, और बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने के बाद जो है क्या होता है, वो हिंसा को छोड़कर अहिंसा की नीति को क्या करता है, फॉलो करता है। आप ध्यान रखना, ये कलिंग कहाँ पर है, आज के आधुनिक समय में जो उड़ीसा है ना, उड़ीसा का जो दक्षिण भाग है, यही कलिंग है। और कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी हमें अशोक के 13वें अभिलेख से मालूम चलती है। थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि यूपीएससी में और अन्य स्टेट पीसीएस के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। नींद नहीं आती है तो बहुत बढ़िया बात है ना, पढ़ाई लिखाई किया कीजिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग नींद से परेशान है, कुछ लोग नींद नहीं आने से परेशान है। जो फैक्ट मैं आपको बोल रहा हूँ ना, यहाँ से क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, तो उन फैक्ट को आपको याद करना है, ठीक है। और आगे आने वाले समय में तोड़ मरोड़ कर जो है आपसे यही चीज़ें पूछी जाती हैं। कलिंग युद्ध में हुए नरसंहार से विचलित अशोक ने युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। क्या कर दिया, सदा के लिए युद्ध की नीति को त्याग दिया, ठीक है। अब वो सोचता है कि अब अशोक सोचता है कि भाई साहब, अब मैं हिंसा के बल पर राज्य का विस्तार नहीं करूंगा, अपने राज्य के शासन को नहीं संभालूंगा, अब मैं जो है क्या करूंगा, अब मैं युद्ध की नीति को त्याग कर धम्म की नीति अपनाऊंगा, और धम्म की नीति के माध्यम से क्या करूंगा, मैं अपने राज्य का विस्तार करूंगा और उसको रेगुलेट करूंगा, ठीक है। लेकिन क्या आपको लगता है कि केवल प्यार मोहब्बत से राज्य को प्रशासित किया जा सकता है, बताइए आप मुझे। नहीं, यहां पर अशोक गलत हो जाता है। आप जानते हैं अशोक का प्रशासन काफी मजबूत था, और एक लंबे समय तक जो है शांति बनी रहेगी, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब छोटे मोटे सामंत, छोटे मोटे राज्यपाल विद्रोह कर देंगे, ठीक है। और उसी प्रकार से आप जानते हैं कि जैसे ही केंद्रीय सत्ता में कोई कमजोर शासक आता है तो क्या होता है, बाहरी आक्रमण भी स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमारे भारत देश में बहुत सारे विदेशी आक्रमणकारी भी होंगे, तो यहां से दौर शुरू होता है विघटन का। हमारा भारत देश बहुत छोटे 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 भागों में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो ये सभी बातें हैं, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन बाद में जब हम लोग मूल्यांकन करेंगे ना अशोक के धम्म का, क्या अशोक के धम्म को आप धम्म की संज्ञा दे सकते हैं, अशोक का धम्म जो था वाकई में एक नया धर्म था, या फिर है ना, हम लोग बाद में पढ़ेंगे। चलिए, कई अभिलेखों से स्पष्ट होता है कि उसका साम्राज्य जो है उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, यानी कि अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण में कर्नाटक और पश्चिम में काठियावाड़ और बंगाल तक जो है विस्तृत था। ये भी हम लोगों ने बात कर ली कि कहां तक जो है इसका साम्राज्य का विस्तार था। अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, किस किस की इसने स्थापना करवाई। यहां पर जो था एक धर्म विरणी विहार जो है, इसने जो है क्या नाम से विहार का निर्माण करवाया था, कहां पर, यहां पर, सॉरी, यहां पर उस वहां पर जो है धर्मा ऋणी विहार था, उसमें अशोकेश्वर नामक मंदिर की स्थापना करवाई थी, ठीक है ना। और राज तरंगणी
जो कि कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी देती है, जो कि कल्हण के द्वारा लिखी गई है, उसके माध्यम से हमें मालूम चलता है कि अशोक का अधिकार कश्मीर पर भी था। तो आप समझिए कि उत्तर में इसकी सीमा कश्मीर तक मिलती थी। और आप ध्यान रखना, कश्मीर में श्रीनगर तथा नेपाल में देवपत्तम नगर बसाया था। आपसे पूछ लिया जाएगा कि श्रीनगर किसने बसाया था, तो आप क्या बताओगे? अगर आपसे पूछा जाए कि श्रीनगर राज्य की स्थापना किसने की थी, तो आप क्या बताओगे, बताइए आप मुझे। वो था आपका अशोक। चलो ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अशोक का धार्मिक जीवन। देखिए, ये जो आपका टॉपिक है, ये मेंस के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा ध्यान में रखना। अशोक का धार्मिक जो जीवन है वो काफी महत्वपूर्ण है। देखो, अशोक की बात की जाती है, अशोक प्रारंभिक समय में किस धर्म का अनुयायी था? अशोक प्रारंभिक समय में जो था वो ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। किसका था? ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। फिर किस प्रकार से कलिंग का युद्ध होता है और कलिंग के युद्ध के बाद ये बौद्ध अनुयायी बन जाता है। ठीक है, अब आगे आने वाले समय में आप ध्यान रखना, राज तरंगिणी के अनुसार अशोक जो है वो शैव धर्म का अनुयायी था, यानी कि ब्राह्मण धर्म जो कि अनेक संप्रदायों में बटा हुआ था, जैसे कि वैष्णव और शैव, तो उसमें भी ये शैव धर्म का अनुयायी था। हम लोगों ने जब धार्मिक आंदोलन पढ़े थे तब मैंने आपको बताया था शैव धर्म, कपाले, कालामुख, याद है या फिर नहीं है? है ना, इन सभी उप संप्रदायों में बटा हुआ था। तो राज तरंगिणी के अनुसार, जो कि कल्लण के द्वारा लिखी गई है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि राज तरंगिणी जो है किसके द्वारा लिखी गई है, याद करना कल्लण के द्वारा, और ये कश्मीर के इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देती है। ओके, इसके अलावा जो है उसको बहुत सारे अभिलेखों में देवनाम प्रियदर्शी के नाम से भी बोला गया है। देवनाम प्रियदर्शी का मतलब क्या होता है? देवनाम प्रियदर्शी का मतलब होता है देवताओं का प्रिय, ठीक है ना, और होता है देखने में सुंदर। ठीक है, इससे उसके हिंदू धर्म में आस्था के संकेत मिलते हैं, यानी कि प्रारंभिक समय में वो हिंदू धर्म का ही समर्थक था, हिंदू धर्म को ही फॉलो करता था। लेकिन आप जानते हैं हिंदू धर्म में बहुत सारी चीज़ें जो थी वो चेंज हो चुकी थी, रूढ़िवादी विचारधाराएं, ये सब चीज़ें, और वैसे भी बौद्ध धर्म का उस समय पर उदय हो रहा था। तो आप समझिए आगे आने वाले समय में वो बौद्ध धर्म अपना लेता है, लेकिन आप ये मत सोचना कि वो भाई हिंदू धर्म का विरोध करता है। हिंदू धर्म में बहुत सारे संप्रदाय होते हैं, उन सभी संप्रदायों को वो अनुदान भी देता है और बहुत सारे मंदिरों का निर्माण भी करवाता है। तो ये मत सोचना कि बौद्ध धर्म अपना लिया तो आगे आने वाले समय में वो हिंदू धर्म को सपोर्ट करना बंद कर देगा। उसके शासनकाल के समय में बहुत सारे पंडितों को सरकारी संरक्षण प्रदान किया गया था। इसके अलावा यहाँ पर जो अनुश्रुतियाँ हैं, मैंने आपसे कहा था दीपवंश और महावंश, इसके माध्यम से भी हमें बहुत सारी चीज़ें मालूम चलती हैं। इसमें कहा जाता है कि शासन के चौथे वर्ष में बड़े भाई सुमन पुत्र निग्रोध के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर ये बौद्ध धर्म अपना लेता है। ठीक है ना, ये जो इसका जो भाई है ना, ये सुमन, ये जो इसका जो भाई है ना सुमन, जिसका पुत्र है कौन, निग्रोध, समझिए, इसी से ही ये बौद्ध धर्म की दीक्षा लेता है। ठीक है, सॉरी, इसी से ये काफी प्रभावित होता है, इसके मन में इतना शांत भाव होता है। वैसे देखो, ये सुमन पुत्र जो है ना, सुमन जो है ना, जो अशोक का भाई है, इसकी हत्या भी अशोक ने की थी, लेकिन ये जो इंसान है, इसका जो बेटा है, इसके मन में बिल्कुल भी बदले का भाव नहीं होता है, बहुत ही शांति होती है इसके चेहरे पर, इसकी भाव भंगिमा है बहुत शांत, इससे काफ़ी प्रभावित होता है भाई, इसको बिल्कुल भी टेंशन नहीं है, कैसा इंसान है भाई, इसका बाप मर गया और ये बिल्कुल भी राजगद्दी के लिए जो है संघर्ष में शामिल नहीं है, ना कोई षड्यंत्र में शामिल है, कितना शांति है इसके जीवन में यार, तो मुझे भी भाई शांति चाहिए। और कलिंग के युद्ध के बाद तो आप जानते हैं किस प्रकार से अशोक के मन में बहुत सारी अशांति फैल चुकी थी, तो भाई इसी से प्रभावित होकर है ये बौद्ध धर्म को अपना लेता है और आगे आने वाले समय में ये अलग से धम्म का निर्माण करता है। अशोक का धम्म कोई धर्म नहीं था, अशोक का धम्म एक नैतिक संहिता थी। समझ में आया? ओके, चलिए, उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। ये नाम ध्यान रखना, क्या नाम है ये, उपगुप्त, रख लोगे ना, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, एक बार जो है
मुझे बता दो सर, एग्जाम में ये नहीं पूछेगा बेटा क्या किया। बेटा ऐसा है कि मैं सब कुछ चीजें वही पढ़ाऊंगा ना आपको कि एग्जाम में यही पूछेगा, तो बहुत बोर हो जाओगे आप। समझ में आया? मेन मेन पॉइंट पढ़ाऊंगा तो वही चीज जो है आपको परेशान कर देगी। थोड़ी सी स्टोरी, थोड़ी सी पृष्ठभूमि तैयार करना भी तो जरूरी होता है ना, जिससे आपको इनडायरेक्टली चीजें याद रहें। वरना मैं आपको बोलूं कि भैया इसने, हाँ जैसे कि मैं बात करूं कि महेंद्र और संगमित्रा श्रीलंका स्थान में जो है धर्म का प्रचार कर रहे थे, महारक्षित यवन देश में कर रहे थे, मज्जिम जो है हिमालयवर्ती देश में कर रहे थे, महादेव जो है महिष मंडल में, तो ये कितना फैक्चुअल हो जाएगा, है ना। तो हमें मत सिखाओ किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के एग्जाम पूछते हैं, हमें मत सिखाओ, ठीक है ना। ओके, किस तरह से पढ़ाना है ये भी हमें मत सिखाओ, क्लियर है। आपसे ज्यादा हम लोग जानते हैं कि आपकी भलाई किस में है। तो पढ़ाई पर ध्यान दो, और अगर आपको चीजें मालूम है तो सेशन को छोड़कर भी जा सकते हो, ठीक है, लेकिन हमें ज्ञान मत दिया करो। जहां पर चीजें एक्सेप्ट करने वाली होती हैं वहां मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं, ठीक है ना। चलिए ठीक है, आपको मेरे दर्शन करने हैं तो कर लीजिए दर्शन, मेरा क्या है, ये लीजिए, आ गया मैं वापस खुश। अब तो खुश हो? ब्रेक प्लीज, मतलब अभी से छोटा, अभी आधे घंटे पढ़ाए, आधे घंटे में ब्रेक चाहिए आपको? अभी तो लिया था 9:18 पर हम लोगों ने ब्रेक लिया था। चलिए अशोक के धार्मिक जीवन में हम लोग आगे बात करते हैं। ये तो हम लोगों ने बात कर ली थी कि किससे ये प्रभावित होकर ये बौद्ध धर्म अपना लेता है। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद क्या होता है, देखो एक नोट है वो आप ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, विश्वास ना हो तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाकर देख लेना, आपको मालूम चल जाएगा ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। तो यहां पर अशोक जो है वो आजीवक संप्रदायों को जो गुफाएं हैं, ठीक है ना, उन गुफाओं का निर्माण करके जो है देता है। मैंने बोला था आजीवक संप्रदाय। अच्छा आप मुझे ये बताओ आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मैंने आपको एक टेबल बताई थी ना, आजीवक संप्रदाय, सनक संप्रदाय, और आपको बहुत सारे संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, बहुत सारे संप्रदाय का नाम बताया था। उन संप्रदायों के नाम आपको याद होना चाहिए, उनके संस्थापक कौन है ये भी आपको नाम याद होने चाहिए, ठीक है ना। ओके ठीक है, तो इन्होंने आजीवकों के रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों को कटवाया, और बराबर की पहाड़ियों को कटवाने के बाद जो है इसने बहुत सारी गुफाओं का निर्माण करवाया, और गुफाओं के निर्माण करवाने के बाद आजीवकों को दे दिया। आप ध्यान रखना इन गुफाओं का नाम जो था, एक का नाम था लोमश ऋषि गुफा, दूसरा था कर्ण चौपार, तीसरा था सुदामा गुफा, और चौथा था आपका विश्व की झोपड़ी। देखो इसके माध्यम से भी हमें समझ में आता है कि अशोक एक धार्मिक सहिष्णु राजा था। हिंदू धर्म के साथ साथ हिंदू धर्म के अन्य संप्रदाय थे उनको भी इसने काफ़ी सपोर्ट किया, क्योंकि इसने बहुत सारी गुफाओं को दान में दिया था। अगर ऐसा होता कि भाई ये बौद्ध धर्म का ही सपोर्ट करता, क्लियर है, तो कभी भी आजीविकों को और ब्राह्मणों को सपोर्ट नहीं करता ये। लेकिन आगे आने वाले समय में जो पुष्यमित्र सुंग आता है, ये पुष्यमित्र सुंग जो था ये एक ब्राह्मण वंश का शासक था, ये एक ब्राह्मण था। ये बोलता है कि भाई जो भी बौद्ध संतों का सिर लाकर देगा ना उसको मैं 100 मुद्राएं दान में दूंगा। तो आप समझ सकते हैं पुष्यमित्र सुंग एक बहुत ही असहिष्णु राजा था। एक आपने नाम सुना होगा शैव धर्म का समर्थक था, कौन? शशांक। इस शशांक ने जो है क्या किया था, जो बोधि वृक्ष है उसको कटवा दिया था। तो हिंदू धर्म में उस समय पर बहुत सारे शासक ऐसे हैं वो बौद्ध धर्म को नहीं चाहते थे कि इसका प्रचार प्रसार हो। उस समय पर बौद्ध धर्म का काफ़ी प्रचार प्रसार हो रहा था, और ये लोग चाहते थे कि वापस हिंदू धर्म जो है उसको रिवाइव किया जाए, ठीक है। ये सभी धार्मिक संघर्ष की हम लोग बात नहीं करेंगे। आगे आप देखो, अशोक ने अपने शासन के 10वें वर्ष सर्वप्रथम बौद्ध गया की यात्रा की। मैंने क्या कहा, शासन के 8वें वर्ष के समय पर ये कलिंग पर आक्रमण करता है और इसके बाद बौद्ध धर्म को अपना लेता है। 10वें वर्ष में अब ये क्या करता है, अनेक पवित्र क्षेत्र हैं वहां पर यात्राएं करता है, जैसे कि बौद्ध गया जहां पर महात्मा बुद्ध ने शिक्षा प्राप्त की थी। इसके बाद अभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी ग्राम
गया और लुम्बिनी ग्राम में उसने जो है लुम्बिनी ग्राम को करमुक्त घोषित कर दिया। क्यों करमुक्त घोषित किया? लुम्बिनी से आपको कुछ याद आ रहा है क्या? बताइए, लुम्बिनी से आपको कुछ याद आ रहा है? और याद आ रहा है तो मुझे बताओ क्या याद आ रहा है। और केवल 18 भाग कर के रूप में जो है इसने लेने की हुआ, वो मतलब बहुत, मतलब ना के बराबर कर था वो, ठीक है, ना के बराबर वो क्या था, वो था। इसी प्रकार से भाबू से प्राप्त लघु शिलालेख, ये भाब नहीं है, ये भाबू है, भाबू है, ठीक है ना, क्या है ये, भाबू है। तो भाबू से जो प्राप्त हमें शिलालेख होता है उससे स्पष्ट रूप से बुद्ध धम्म और संघ इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। बुद्धम संगम और धम्मम, ठीक है ना, इस सब के बारे में जानकारी मिलती है। यहां पर आप ध्यान रखना, इसके बाद सारनाथ, सांची और कौशाम्बी का जो अभिलेख है, इस अभिलेख में भी अशोक के बारे में जानकारी मिलती है कि अशोक ने यहां पर यात्रा की थी, क्योंकि आप जानते हैं बौद्ध धर्म के लिए सारनाथ, सांची और कौशाम्बी ये काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। ये कुछ बातें हैं जो आप ध्यान रखना। इसके बाद आप ध्यान रखना, इसने क्या किया, बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, और बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद जो है इसने क्या किया, आखेट, आखेट का मतलब क्या होता है, कुछ राजा जो होते हैं वो शिकार करते हैं ना, जीप को मारते हैं, हिरण को मारते हैं, क्लियर है। जब अंग्रेज भारत देश में आते हैं ना, तो अंग्रेज भारत देश का शासन संभालते हैं, और जो हमारे लोकल जो राजा होते हैं, रियासतें जो होती हैं, वो क्या करते हैं, वो आखेट ही करते हैं, क्या करें, टाइम पास बेचारे राज मुकुट रख लेते हैं और आखेट करते रहेंगे, जानवरों को मारते रहेंगे, अंग्रेज पर चलती नहीं थी, क्लियर है, उनका जीवन आखेट पे चलता था। अशोक ने हिंसा अहिंसा को सपोर्ट किया, हिंसा को ख़त्म किया, और हिंसा को ख़त्म करने के लिए इसने आखेट पर जो है क्या किया, प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है। उनके स्थान पर धर्म यात्राएं प्रारंभ करी कि भाई अगर तुम्हें आखेट करना है तो भाई धर्म यात्राएं करो, है ना, अपने बौद्ध धर्म है उसका प्रचार प्रसार करो, उपदेश दो, महात्मा बुद्ध के द्वारा जो उपदेश दिए गए हैं, इससे नैतिकता फैलेगी समाज में, और नैतिक मूल्यों के माध्यम से चाहता था अशोक कि उसका राज्य संचालित हो। लेकिन कुछ ऐसे मूर्ख इंसान हमारे पृथ्वी पर जीवित रहते हैं, ऐसे मूर्ख इंसान हमारे पृथ्वी पर जन्म ले लेते हैं जो कि नैतिक मूल्यों के माध्यम से नहीं समझते, उनको क्या चाहिए, समझ जाइए आप, उनको चाहिए जूता, क्या चाहिए उनको, उनको चाहिए जूता, वो लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं ना, उसी प्रकार से है। तो इसी प्रकार से अगर आपको राज्य का शासन संभालना है तो शांति के बल पर भी, नैतिक मूल्य के बल पर भी, और जूते के माध्यम से भी, यानी कि आप समझ जाइए, यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लातों के भूत होते हैं, वो लातों से ही मानते हैं, तो उनके लिए लात हमेशा तैयार रखना चाहिए। शासन सिर्फ नैतिक मूल्यों से नहीं चल सकता है, और यहां पर यही गलती जो है अशोक करता है। अशोक लातों के भूतों को मैनेज करने में जो है कुछ भी वो नहीं करता है, ठीक है। चलिए, यहां पर उसके साम्राज्य का पतन होना स्टार्ट हो जाता है। आप ध्यान रखना, जहां जहां पर महात्मा बुद्ध के चरण पड़े वहां वहां पर जो है उसने क्या किया, ठीक है, यात्राएं करी। कहां कहां पर यात्राएं करी इसने, बौद्ध गया में यात्राएं करी, कुशीनगर में यात्रा करी, लुम्बिनी में, कपिल वस्तु में, सारनाथ में और श्रावस्ती में। श्रावस्ती एक ऐसा शहर है जिसमें सबसे अधिक उपदेश दिए महात्मा बुद्ध ने। आखेट का मतलब क्या होता है, आखेट का मतलब शिकार होता है, ठीक है ना, आखेट का मतलब क्या होता है, आखेट का मतलब होता है शिकार। हमारे यहां पर भी तो बहुत सारे लातों के भूत है ना कमेंट बॉक्स में, इनके लिए कुछ ना कुछ जो है बातें कहनी पड़ती हैं तब जाकर ये मानते हैं, वैसे नहीं मानते ये लोग, इनको थोड़ा चुप करवाना पड़ता है, ठीक है। ऐसे लोग आपको हर जगह मिल जाएंगे। चलो अब हम लोग बात कर, देखो मैं थोड़ा सा आपको एक टेबल बताना चाहता हूँ, इस टेबल को याद कर लेना, काफ़ी महत्वपूर्ण है, हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए। धर्म प्रचार के लिए इसने कौन कौन से अपने उत्तराधिकारियों को भेजा, ठीक है, ओके। यहाँ पर श्रीलंका की हम लोग बात करते हैं तो महेंद्र और संगमित्रा, जो उसकी खुद की पुत्री थी। यवन देश की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ महारक्षित को भेजा। हिमालय वर्ती देश है, यहाँ पर मज्जिम को भेजा। मैसूर यानी कि कर्नाटका, यहाँ पर महादेव को भेजा गया। महाराष्ट्र में महाधर्मित रक्षित को भेजा गया। स्वर्णभूमि, ये जो है सोना और उत्तरा को भेजा। कश्मीर और गांधार, यहाँ पर क्या किसको भेजा, मध्यांतिक को भेजा, ठीक है, ये आप ध्यान रख लेना। अब यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण बात आती है,
वो क्या है? अशोक का धम्म। सबसे महत्वपूर्ण बात आती है, वो है आपका अशोक का धम्म। इसको आप याद रखना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। अशोक का धम्म काफी महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए, क्योंकि जब आप अशोक का मूल्यांकन पढ़ोगे तो अशोक के धम्म के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। अशोक के धम्म के बारे में आपको मालूम नहीं है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, जहां पर बोलता हूं इस टॉपिक पर फोकस करना है तो करना है भाई साहब। ठीक है, चलिए ओके। अशोक का धम्म स्टार्ट होता है, तो मैंने क्या बोला, अशोक ने अपने बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद जो है इसने तलवार को छोड़ दिया, इसने हिंसा को छोड़ दिया। अब ये चाहता था कि भैया अब मेरा कर्तव्य ये है कि प्रजा का नैतिक उत्थान करूं, प्रजा को नैतिक मूल्य सिखाऊं और नैतिक नियमों के माध्यम से, नैतिक संहिता के माध्यम से अपने प्रशासन को क्या करूं, रेगुलेट करूं। देखो इसके पास दो ऑप्शन थे, एक तो थी तलवार जिसके बल पर यह जो है अपने शासन की स्थापना कर सकता था, और एक है आपका नैतिक संहिता। इसने बोला कि तलवार के बल पर तो सब करते हैं, मैं नैतिक संहिता के माध्यम से करूंगा, और नैतिक संहिता के माध्यम से क्या है, मानसिक और शारीरिक सुख जनता को प्राप्त होगा। डराकर धमकाकर अगर आप शासन करते भी हो तो किस बात के राजा हुए, ठीक है ना। नैतिक संहिता के माध्यम से इसने क्या किया, शासन करना चाहा। लेकिन मैंने क्या कहा, कुछ इंसान लातों के भूत होते हैं, वो लातों से ही मानते हैं, वो तलवार के बल पर ही मानते हैं। तो राज्य हमेशा चलेगा तलवार और नैतिक संहिता दोनों के माध्यम चलेगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसी नीति को तो अपनाया था, तलवार और नैतिक संहिता की नीति। लेकिन अशोक जो है बिल्कुल सहिष्णु हो जाता है, बिल्कुल, यानी कि आप समझिए कि यार एक मेरा दोस्त था, ठीक है ना, वो क्या हुआ, मतलब बहुत बड़ा हिस्ट्री शीटर था वो, एक तरह से ये मान लीजिए। अब उसने सब कुछ छोड़ना चाहा, उसने सोचा कि भाई सब कुछ छोड़ देता हूँ, मार काट सब कुछ छोड़ देता हूँ, अपना सीधी सादी सी सिंपल सी जिंदगी जीऊँगा, ठीक है ना। तो फिर उसने एक जगह काम करना स्टार्ट कर दिया, और वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर उसके जो पुराने दुश्मन थे उसने उसकी हत्या कर दी गोली मारकर, ठीक है। तो भाई ऐसा ही होता है यार, क्या करें अब। तो इतने सीधे भी मत बनो कि दूसरे लोग तुम्हारा इस्तेमाल कर लें, या फिर दूसरे लोग जो हैं तुम्हें लात मार के चले जाएं, या फिर तुम्हारा गलत फ़ायदा उठा दें, ठीक है ना। तो भाई सीधों के लिए सीधा बनो, टेढ़ों के लिए टेढ़ा बनो। महात्मा बुद्ध ने भी क्या कहा था भैया, महात्मा बुद्ध ने भी ये कहा था कि नैतिक मूल्य तो मैं आपको सिखाऊंगा, साथ साथ में कराटे वराटे कुंग फू मास्टर भी ये भी बनाऊंगा मैं आपको, याद है या फिर नहीं है। महात्मा बुद्ध ने ही तो ये कराटे वराटे इनकी शुरुआत की थी, आत्म सुरक्षा करना भी तो जरूरी है कि नहीं है, क्लियर है। यहां पर ये जो है क्या करता है, यहां पर ये गलती कर देता है, ठीक है ना। जो नैतिक संहिता है उसी नैतिक संहिता को यहां पर धम्म कहा गया है। आप धम्म का मतलब कोई धर्म मत समझना, बहुत सारे लोग जो हैं वो धम्म को धर्म समझ लेते हैं और बोलते हैं कि अशोक ने एक नए धर्म की स्थापना की थी जिसको धम्म कहा गया था। नहीं है भाई साहब, धम्म नहीं है, अगर धर्म नहीं है, अगर धर्म होता तो धर्म की एक पवित्र पुस्तक होती है, जैसे कि हमारे हिंदू धर्म की पवित्र पुस्तक गीता है, महाभारत है, रामायण है। लेकिन अशोक के धम्म की कोई पवित्र पुस्तक नहीं है। अशोक के धम्म में एक पुरोहित वर्ग होना चाहिए जो हर एक धर्म में होता है, जैसे कि पारसी धर्म में, हिंदू धर्म में, मुस्लिम धर्म में, लेकिन यहाँ पर कोई भी पुरोहित वर्ग नहीं है, ठीक है ना। इसी प्रकार से हम लोग कह सकते हैं, इसी आधार पर हम लोग कह सकते हैं, अशोक का धम्म कोई धर्म नहीं था, ये एक नैतिक संहिता थी, है ना। लेकिन धम्म का संस्कृत में शब्द क्या होता है, संस्कृत में इसका मतलब धर्म ही होता है, तो बहुत सारे लोग इसको धर्म समझ लेते हैं, लेकिन ये क्या है, नैतिक संहिता। अगर UPSC के मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है तो याद रखना ये कोई धर्म नहीं था, ये एक नैतिक संहिता थी। धम्म क्या था, ये एक नैतिक संहिता थी। अशोक ने धम्म की जो परिभाषा है वो राहुलो वाद सूत्र से ली है, ये भी आप ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है ओके। हाँ, तो स्वयं नियंत्रण हेतु अशोक की धम्म नीति का मूल सिद्धांत है ना, कि भाई ऐसा है कि स्वयं नियंत्रण करना बहुत जरूरी है आपको, यानी कि खुद पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप अपने गुस्से को कंट्रोल करो, अगर आपको जो है ऐसा लग रहा है कि भाई इसको जान से मार डालूंगा, तो मतलब जैसे है ना, मतलब स्वयं पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। जैसे कि आप के सामने कुछ अच्छी चीज़ रखी हुई है, बहुत आकर्षित कर रही है ना, तो भाई नियंत्रण करो अपने आप पर, है ना, अपनी इंद्रियों को नियंत्रण करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। बहुत सारे लोग जो हैं परेशान होते हैं, वो क्यों परेशान होते हैं, वो इसलिए परेशान होते हैं क्योंकि वो अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। तो मैं तो यही बोलूँगा कि आपका इस समय जो जीवन चल रहा है बहुत ही मानसिक
है ना, मानसिक वेदनाओं से भरा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलती हैं। इसके लिए मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। आध्यात्म प्लस विज्ञान दोनों को साथ में लेकर चलो, आध्यात्म और विज्ञान दोनों को साथ में लेकर चलोगे तो इस संसार में सुख रहोगे, वरना हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा ये कहते कहते जो है ना, समझ लीजिए आप, ठीक है ना, कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। क्लियर है? तो पैसा भी कमाओ, ऐसा नहीं कि पैसा नहीं कमाओ और ये बोलोगे भैया हमें आईएएस वाईएएस नहीं बनना है, अब हम सन्यासी बन जाते हैं, ऐसा सारे के सारे सन्यासी बन जाएंगे तो इस संसार में अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी, आप मुझे बताओ, ठीक है ना। ओके, तो कर्म भी करो, आईएएस वाईएएस ऑफिसर भी बनो और आध्यात्म की जिंदगी भी जियो, जिससे कि नैतिक मूल्यों के माध्यम से आप प्रशासन को संभाल सको, ठीक है ना। अब रही बात यूपीएससी की, अब यूपीएससी जो है क्वेश्चन कैसे बनाएगा, यूपीएससी पेपर फोर में अशोक के धम्म को पूछ लेगा कि प्रशासन में अशोक के धर्म की सार्थकता का मूल्यांकन कीजिए, फिर आप कैसे बताओगे, आप समझ जाइए अशोक के धम्म को डाल दिए कहां पर, प्रशासन में। यूपीएससी ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, आपको लगेगा यार ये तो यूपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछा है ये तो पेपर फोर का नहीं है, ये तो पेपर फर्स्ट का क्वेश्चन है, इसने पेपर फोर में क्यों पूछ लिया। तो भाई यूपीएससी कभी भी फैक्चुअल चीज़ों पर या फिर किताबी ज्ञान पर क्वेश्चन नहीं बनाता है, वो आपकी सोच को डेवलप करवाता है, और जो मैं आपको आंसर राइटिंग करवाता हूँ वो इसी प्रकार की, मतलब क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ जिससे आपका दिमाग काम करे। डायरेक्टली अशोक के धम्म के बारे में कभी नहीं पूछेगा वो कि बताइए अशोक का धम्म क्या था, समझ में आ रहा है ना आपको, क्लियर है, ठीक है। थोड़ा सा माइंड डेवलप कीजिए, दिमाग को चलाइए, थोड़ा सा दिमाग को चलाकर चर्निंग कीजिए, जो मैं आपको पढ़ाता हूँ ना कंटेंट, उसको आप विभिन्न डायमेंशनों में आप कवर कर सकते हो। देखो अशोक के धम्म को आप पेपर फोर से जोड़ सकते हो, अशोक के धम्म को आप पेपर टू में जोड़ सकते हो, अशोक के धम्म को आप पेपर थ्री में, अशोक के धम्म को आप पेपर फर्स्ट में आप जोड़ सकते हो, अशोक के धम्म को वो आर्ट एंड कल्चर से जोड़ देगा, ऐसे ही तो क्वेश्चन बनाता है आजकल वो, कैसे बनाता है क्वेश्चन, है ना। चलो ठीक है, ये तो आपको मालूम चल गया, और मेरे साथ जुड़े रहिए यार, मेरे साथ जुड़े रहोगे तो काफ़ी फायदा मिलेगा, एक साल तक आंसर राइटिंग मेरे साथ कर लो, डेफिनेटली फायदा मिलेगा। ये है हमारा जीएस पेपर आंसर राइटिंग ग्रुप, पहले दिन आप आंसर राइटिंग अच्छा नहीं कर पाओगे लेकिन बाद में आप आंसर राइटिंग करना सीख जाओगे। ये है यूपीएससी डिस्कशन ग्रुप और ये है हमारा मेन ग्रुप, यहाँ पर आप जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं, मेरी क्लास के नोटिफिकेशन, मेरी क्लास के पीडीएफ सेशन वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग अब बात करते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात है बीएस लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए जो है आप एडमिशन ले सकते हैं, एक सिस्टमेटिक तरीके से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। कोड का ध्यान रखना, जितने भी मेरे साथ जुड़े हुए बच्चे हैं वो बीएस लाइव कोड का इस्तेमाल करते हैं। एडमिशन के रिगार्डिंग कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप पर नंबर दे रखा है, आप उस पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, हमारी टीम पूरी तरह से जो है आपकी हेल्प करेगी। जैसे ही आप मेरे कोड का इस्तेमाल करते हुए एडमिशन लोगे तो आपको एक अलग से नंबर दिया जाएगा, वो पर्सनल मेरा नंबर होगा और मैं ही आपको गाइड करूंगा जब तक आपका सब्सक्रिप्शन रहता है, ठीक है। चलो ये तो हम लोगों ने बात कर लिया कुछ अशोक के बारे में, ठीक है ना, कि स्वयं नियंत्रण के माध्यम से जो है आप काम करो, अपने आप पर नियंत्रण स्थापित करो। यहां पर दूसरा और सातवां जो अभिलेख है, मैं अभी आपको 14 अभिलेख बताऊंगा, उन 14 अभिलेख में क्या क्या लिखा हुआ है ये भी मैं आपको बताऊंगा। डायरेक्टली इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ये जो आपका दूसरा और सातवां अभिलेख है जो धम्म के गुणों को बताता है, धम्म के अंदर कौन कौन से गुण थे, साधुता यानी कि सन्यासी की तरह जीवन जियो यानी कि अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करो, ठीक है ना, मृदुता यानी कि वाणी में आप जो है मीठापन लेकर आओ, कभी झूठ मत बोलो सत्य बोलो, पवित्रता अपने चरित्र में हमेशा पवित्र रहो, सत्यवादिता दान दया कल्याण, ये सारे के सारे आपको क्या लगते हैं बताइए, ये सारे के सारे जो हैं ये आपके नैतिक मूल्य हैं, कोई धम्म नहीं है, कोई धर्म नहीं है, ठीक है, आप ध्यान रखना। इसके बाद जो आठवां शिलालेख है, इसमें जो उसने यात्रा की थी, है ना, विहार के रूप में प्रचलित जो यात्रा थी, अशोक ने अपने समय पर जो यात्राएं की थी, उसने इस यात्रा को धम्म यात्रा की संज्ञा दी, किसकी संज्ञा दी, धम्म यात्रा की संज्ञा दी, ठीक है। अशोक ने धम्म का प्रचार करने के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया, उसका क्या नाम था, ठीक है ना, रज्जुक प्रादेशिक और युक्त, सॉरी उसने इन लोगों को जो है जो पहले से अधिकारी थे रज्जुक प्रादेशिक और युक्त, इनको आज्ञा दी कि वे पांचवें वर्ष जो है राज्यों का भ्रमण करें और जनता को धर्मोपदेश दें। यानी कि अब आप समझ लीजिए ये जो सरकारी अधिकारी जो हैं अब क्या है, धार्मिक उपदेश देंगे,
यानी कि जो सन्यासी बोलते हैं, जो आप धार्मिक उपदेश सुनते हो ना, किसके सुनते हो? आसाराम के सुनते हो, राम रहीम के सुनते हो, सुनते हो ना? कितने बच्चे जो हैं वो आसाराम और राम रहीम के सुनते हैं, चेले हैं? इनके मत सुनना, जिंदगी खराब कर देंगे आपकी, है ना? ठीक है ना? तो अच्छे बाबा को आप मानो। चलो ठीक है, अब अशोक के धम्म के प्रचार प्रसार करने के लिए अशोक ने कहां कहां पर जो है अपने दूत भेजे। तो भैया उसने सीरिया भेजा, मिस्र भेजा, ग्रीस भेजा और श्रीलंका भेजा। इसी प्रकार से हम लोग बात करते हैं आगे, ये आप देख सकते हैं बहुत सारे अभिलेख हैं और इस अभिलेख में जो बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं उसके माध्यम से हमें धम्म के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, ओके। अशोक एक पहला ऐसा इंसान था, पहला एक ऐसा शासक था जिसने राज्य आदेश के रूप में अभिलेख का इस्तेमाल किया। यानी कि पहले राज्य आदेश के रूप में क्या है, वो नगाड़ा वगैरह बजाया जाता था, लेकिन इसने अभिलेख के माध्यम से जो है राज्य आदेश उत्कीर्णित करवाए अभिलेख में। ठीक है ना, ये एक पहला शासक था जिसने अभिलेखों के द्वारा जो है जनता को संबोधित किया। आपसे पूछ लिया जाएगा कि ऐसा कौन सा शासक था जिसने जनता को अभिलेख के माध्यम से संबोधित किया, तो वो कौन था? वो था आपका अशोक। अशोक के अभिलेखों का विभाजन हम लोग निम्न वर्गों में कर सकते हैं। अब हम लोग कुछ अभिलेख के बारे में बात करेंगे। ये अभिलेख थोड़ा सा आप ध्यान रखना, ठीक है ना, ये अभिलेख थोड़ा सा आप ध्यान रखना। मैं कुछ अभिलेख आपको शिला अभिलेख की बात करूंगा। शिला अभिलेख का मतलब क्या है? पत्थरों पर उत्कीर्णित किया गया है। कुछ मैं आपको जो है स्तंभ अभिलेख की बात करूंगा। स्तंभ का मतलब एक तरह से जो है स्तंभ बना दिया, उस पर कुछ बातें उत्कीर्णित कर दी गई। इसी प्रकार से कुछ मैं गुहा अभिलेख की बात करूंगा। गुहा अभिलेख का मतलब क्या होता है? कुछ गुफाएं आपकी बना दी और उस गुफाओं में कुछ जो है बातें उत्कीर्णित करवा दी। ठीक है ना, कहने का मतलब क्या है, इन सभी अभिलेखों का उद्देश्य क्या है? अशोक के जो धम्म हैं, इन धम्म की नीतियों का प्रचार प्रसार करना। ठीक है, अब मैं कुछ आपको जो है देखो, ओके, ये शिलालेख हैं, ये स्तंभ लेख हैं, ये मैंने आपको बता दिया था, ये गुहा अभिलेख हैं। ठीक है ना, अशोक के बृहद शिलालेख की संख्या कितनी है? 14। और इसी की हम लोग बात करेंगे, कौन से अभिलेख कहाँ पर हैं, है ना। थोड़ा सा रटने वाली चीज़ें हैं, लेकिन थोड़ा सा रटने वाली चीज़ें हैं, लेकिन हमें पढ़ना तो पड़ेगा। ओके चलो ठीक है, ओके ओके चलिए, ये मैं कुछ आपको अभिलेख के बारे में बता रहा हूँ, थोड़ा सा आप जो है याद कर लेना। पहला है आपका शाहबाजी गढ़ी, ये कहाँ पर है? पेशावर। पेशावर कहाँ पर है? आधुनिक पाकिस्तान में। फिर है मानसेहरा, ये कहाँ पर है? हज़ारा, पाकिस्तान में। कालसी कहाँ पर है? ये है देहरादून में। कहाँ पर? उत्तराखंड में। गिरनार कहाँ पर है? ये जूनागढ़ में। जूनागढ़ कहाँ पर? गुजरात में। धोली ये कहाँ पर है? पुरी उड़ीसा में। जोगढ़ कहाँ पर है? गंजाम उड़ीसा में। सोपारा कहाँ पर है? थाने महाराष्ट्र में। एरगुड़ी कहाँ पर है? कुरनूल आंध्र प्रदेश में। मास्की कहाँ पर है? रायचूर में। मैं आपको बाद में जो है मोस्ट जो आपके वो है ना, वो मैं आपको बता दूंगा, कम से कम उनको तो याद कर ही लेना। गुर्जर अभिलेख ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, कईयों बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, एमपीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। ब्रह्मगिरी कहाँ पर है? मैसूर कर्नाटका में। भाबरू कहाँ पर है? बैराट राजस्थान में। अहरोरा ये कहाँ पर है? मिर्जापुर। जटिंग रामेश्वर यानी कर्नाटका। सासाराम यानी कि बिहार। राजुल मंडलगिरी ये कुरनूल आंध्र प्रदेश में। गोविंद गोवीमठ ये कहाँ पर है? मैसूर में। नेटूर ये कर्नाटका में। उदगोलम ये बेल्लारी कर्नाटका में सनीति। अब देखो कौन कौन से मोस्ट हैं, एक तो ये याद कर लेना, उदगोलम ये पूछा भी गया है, नेटूर याद कर लेना, इसके अलावा आप यहाँ पर भाबरू याद कर लेना, यहाँ पर गुर्जरा, मास्की, सोपारा, ठीक है ना, और गिरनार तो आप जानते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है, और ये ऊपर का शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा, इनको तो कम से कम जो मैंने आपको मोस्ट लगाए हैं इनको तो कम से कम याद करना ही करना। ठीक है, इनको तो कम से कम याद करना ही करना। चलिए आगे हम लोग क्या बात करते हैं, अशोक के बारे में ही हम लोग कंटिन्यू करते हैं, अब शिलालेख के बारे में ही हम लोग बात करेंगे। तो ये जो दीर्घ स्तंभ लेख हैं, इनकी संख्या हम लोगों ने जो 7 बताई है, वो 6 भिन्न भिन्न स्थानों में पाषाण स्तंभों पर उत्कीर्णित पाए गए हैं। जैसे कि हम लोग बात करते हैं दिल्ली में टोपरा का स्तंभ लेख, अब आप मुझे बताओ ये टोपरा का स्तंभ अभिलेख है किस प्रकार से, किस शासक के द्वारा जो है वो ले जाया जाता है, है ना। इसी प्रकार से मेरठ दिल्ली स्तंभ अभिलेख, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख, लोरिया नंदगांव और ये रामपुरवा स्तंभ अभिलेख, ठीक है ना। ये रामपुरवा स्तंभ लेख है, ये आर्ट एंड कल्चर के रूप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। जब मैं
आर्ट एंड कल्चर में आपको मौर्य साम्राज्य पढ़ाऊंगा तब मैं आपको इसके बारे में कुछ बातें आपको बताऊंगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से कुछ स्तंभों पर केवल एक लेख है, जैसे कि 7 दीर्घ स्तंभ लेखों के क्रम में से अलग अलग रखा गया है और वे लघु स्तंभ कहे जाते हैं, ठीक है ना। ये कुछ अभिलेख के बारे में है जो आप ध्यान रखना। अब कुछ और भी बातें कर रहा हूँ मैं आपसे, है ना। केवल 2 अभिलेख हैं, एक तो शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा, ये जो है आपके ब्राह्मी लिपि में ना होकर किस लिपि में है, खरोष्ठी लिपि में है, आप ध्यान रखना, क्योंकि ये 2 अभिलेख हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आपसे पूछ सकता है कि शाहबाजगढ़ी अभिलेख और मानसेहरा अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं, तो वो आपको बताना है खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं, क्योंकि अपवाद है, जहाँ पर अपवाद होते हैं वहाँ पर क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये है खरोष्ठी लिपि। अशोक के सभी अभिलेख का विषय प्रशासनिक था, यानी कि प्रशासन के संबंध में उसने उपदेश दे रखे थे, ठीक है ना। और जबकि जो आपका रुकमन देवी का जो अभिलेख है वो बहुत ही छोटा था, और इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है कि किस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था वहाँ पर चलती थी, कहाँ पर हम लोग व्यापार वाणिज्य करते थे, किस प्रकार के टैक्स थे, किस क्षेत्र से कितना टैक्स वसूला जाता था, इन सब की जानकारी हमें किसके बारे में मालूम चलती है, वो है आपका रुग्मन देई का अभिलेख। यहाँ पर आप ध्यान रखना, कोशाम्बी और प्रयाग का जो स्तंभ है इसमें अशोक की रानी कारुवाकी के द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अशोक की रानी कारुवाकी के द्वारा दिया गया दान है, इसके बारे में हमें जानकारी कौन से अभिलेख से प्राप्त होती है, तो वो है आपका कोशाम्बी तथा प्रयाग। एक आप बात और ध्यान रखना, यहाँ पर रानी का जो अभिलेख है इसे हम लोग रानी के अभिलेख के नाम से भी जानते हैं, कौन सा, कोशाम्बी तथा प्रयाग वाला, ठीक है ना। अशोक के राज की घोषणा जिन स्तंभों पर उत्कीर्णित हैं उन्हें साधारण तौर पर लघु स्तंभ कहा जाता है, कौन सा, जिस पर राजकीय आदेश और घोषणाएं उत्कीर्णित हैं उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, उसे हम लोग लघु स्तंभ लेख के नाम से जानते हैं। और गुहा अभिलेख की हम लोग बात करते हैं, तो गुहा अभिलेख जो है वो धार्मिक सहिष्णुता का परिचायक है। कहने का मतलब, मैंने आपको 3 प्रकार के शिलालेख बताए थे, एक है आपका स्तंभ शिलालेख जिसमें कि आपका जो है राजकीय आदेश और गुहा अभिलेख धार्मिक गतिविधियों संबंधित है, और शिलालेख आप जान सकते हैं जिसमें आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सारी की सारी चीजें शामिल होंगी। इसी प्रकार से मैं आपको बताऊंगा, ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ भी है, इस प्रकार का जो आपका स्तंभ होता है ना इसी को हम लोग स्तंभ अभिलेख बोलते हैं, है ना, इसी को हम लोग स्तंभ, ये आप देखते हैं ना, ये हम लोग सरकारी कार्यों में इसे चिन्ह के रूप में हम लोग, है ना, यूज करते हैं। ये अशोक का एक बहुत ही शानदार प्रतीक है, क्लियर। यहां पर आप ध्यान रखना, फिरोज शाह तुगलक जो है अशोक के स्तंभ से इतना प्रभावित था कि उसने मेरठ और टोपरा का जो अभिलेख है वो दिल्ली मंगवा लिया। इलाहाबाद स्तंभ की हम लोग बात करते हैं, इलाहाबाद स्तंभ पहले कौशाम्बी में था, अकबर के शासनकाल में जहांगीर ने अपने किले में ये जो है रखवा लिया। रामपुरवा का अभिलेख की हम लोग बात करते हैं, ये कहां पर है, चंपारण के बिहार में, और इसकी खोज कलाई इल ने की थी, ठीक है। ये हो गया कुछ अभिलेख के बारे में। आपको लग रहा है ना ये काफ़ी बोरिंग है, क्यों, क्या लगता है आपको, हाँ आपको काफ़ी बोरिंग लग रहा है ना ये काफ़ी आपको बोरिंग लग रहा है ना, क्यों, नहीं लग रहा। अब यार याद तो करना पड़ेगा ना यार, क्या कर सकते हैं, है ना। कुछ चीज़ें हमेशा, मैं आपको बहुत सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग बताता हूँ, हमेशा ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ तो वो तो नहीं हो सकता, कुछ चीज़ें तो हमें याद करना पड़ेगा ना। ब्रेक नहीं लीजिएगा सर, बिल्कुल लीजिएगा, बिल्कुल लेंगे हम लोग ब्रेक, आप कहोगे तो हम लोग ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये अभिलेख हैं, अभिलेख को थोड़ा सा हम लोग खत्म कर लेना, इसके बाद में एक टेबल आपको और बताऊंगा। ये लोरिया और नंदगाम का जो अभिलेख है जो कि चंपारण बिहार में स्तंभ है, इस पर मोर का चित्र बना हुआ है। आप ये मत सोचना कि ये क्वेश्चन कैसे पूछेगा, वो ये पूछेगा कि मोर का चित्र किस अभिलेख में लिखा हुआ है, 4 अभिलेख के नाम आपको दे देगा, है ना। ये सभी क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर के क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये सभी चीज़ें रिपीट होंगी आर्ट एंड कल्चर के सेशन में। अशोक का सर एक कोना जो कि कांधार अभिलेख है, ये ग्रीक और आर्माइक भाषा से प्राप्त हुआ है। ऑब्वियसली यार देखो, जहाँ पर जो भाषा प्रचलित है उसी भाषा में तो अभिलेख लिखे जाएंगे, है कि नहीं है?
ठीक है, ये हैं कुछ अशोक के अभिलेख। अब मैं आपको 14 शिलालेख की बात करूंगा। ठीक है, ये शिलालेख काफी महत्वपूर्ण है। किस शिलालेख में क्या लिखा गया है उसको याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, देखो हम लोग ब्रेक लेंगे, थोड़ा सा हम लोग इस अभिलेख को पूरा कर लें, उसके बाद ब्रेक लेंगे, वरना टॉपिक जो है खत्म नहीं होता है। तो फिर है ना, इस टॉपिक को मैं खत्म कर देता हूं, उसके बाद हम लोग ब्रेक लेंगे और उसके बाद हम लोग अशोक का मूल्यांकन पढ़ेंगे। आप याद करना पड़ेगा पहले शिलालेख में, अब जहां पर मैं बोलूंगा ना यहां से क्वेश्चन आया है तो उसको जो है स्टार लगा लेना। ठीक है ना, देखो पशु बलि की निंदा की गई है, सभी मनुष्य मेरी संतान है। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा, कौन से अभिलेख में, कौन से शिलालेख में, कौन से क्रमांक के शिलालेख में अशोक ने यह कहा है कि सभी मनुष्य मेरी संतान की तरह हैं, तो आप क्या बताओगे? वो है पहला शिलालेख। दूसरा शिलालेख, इसमें पशु चिकित्सा, मानव चिकित्सा, लोक कल्याणकारी और चोल पांडे और किरल पुत्र, यानी कि चोल चेर पांडे, इन सब के बारे में जानकारी दी गई है। आपसे क्या पूछेगा, जो संगमकालीन राज्य हैं चोल चेर पांडे, इसके बारे में जानकारी अशोक के किस शिलालेख से प्राप्त होती है? तो आप बताओगे दूसरा शिलालेख था। कौन सा था? वो था आपका दूसरा शिलालेख। तीसरा है, तीसरा शिलालेख, इसमें राजकीय अधिकारियों के बारे में जानकारी मिलती है। चौथा शिलालेख, इसमें हमें धर्माचरण, भेरीनाथ और धम्म का उद्घोष, अभी मैं आपको बता रहा हूं ना, अभी मैं जो आपको बता रहा हूं अभिलेख, उसमें से सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? दूसरा शिलालेख। और यहां से ये क्वेश्चन जो है आपका पूछा हुआ है। ठीक है, अब यहां पर पांचवा शिलालेख आता है, यहां पर धम्म महामात्र की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिली गई है और यहां पर समाज और वर्ण व्यवस्था के बारे में, यह भी इतना महत्वपूर्ण नहीं है। छठा शिलालेख है, इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है, यह भी महत्वपूर्ण नहीं है। सातवा शिलालेख, सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता की बात की गई है, लेकिन हाँ एक बार याद तो कर लेना यार। ठीक है ना, आठवा शिलालेख, ये यहाँ पर धर्म यात्राओं के बारे में और बौद्ध गया के बारे में बताया गया है। नवा शिलालेख, यहाँ पर धम्म समारोह और सच्ची भेंट और शिष्टाचार और नैतिक मूल्यों के बारे में। दसवां शिलालेख, इसमें अशोक ने आदेश दिया कि राजा और उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हितों में सोचें, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, ये महत्वपूर्ण है। ओके ठीक है, समझ में आया प्रशासनिक दृष्टिकोण से। ग्यारहवां शिलालेख, ये धम्म की नीति, ये स्टार, इस पर जो है 5 स्टार लगा लेना आप, क्या है ये 5 स्टार। ठीक है, 12वां शिलालेख, ये भी महत्वपूर्ण नहीं है। 13वां शिलालेख, इस पर भी 5 स्टार लगा लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पूछे हुए हैं। सारे के सारे अभिलेख आपको याद नहीं करने हैं, आपको वही अभिलेख याद करने हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा रिजोल्यूशन बढ़ा लोगे ना तो दिख जाएगा। देखो यार, मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ और मैं आपको यूपीएससी लेवल का पढ़ा रहा हूँ, और ये जो बोल रहे हैं ना निर्मल कि कुछ लोग फूल पत्ती के लायक हैं, तो बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर फूल पत्ती वाले, तो आप समझ जाइए कौन कौन से फूल पत्ती लायक हैं। ठीक है ना, यूपीएससी की तैयारी करनी है तो भाई ये सब चीज़ें तो पढ़ना पड़ेगा। मैं इसमें देखो जितना कमी करनी थी मैंने कमी कर दी है, इससे ज़्यादा कम मैं नहीं कर सकता हूँ। ठीक है ना, इससे ज़्यादा मैं कम नहीं कर सकता हूँ, है ना। 14वां शिलालेख की हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पर तो मैंने आपको दो अभिलेख बताए, एक बार जूम करके आपको बता देता हूँ, ये अभिलेख काफ़ी महत्वपूर्ण है आप सभी लोगों के लिए। ठीक है ना, एक तो ये है 11वां, ये है 13वां शिलालेख, इसमें कलिंग युद्ध के बारे में बताया गया है, इसको आप लगा लेना 5 स्टार। एक है आपका 11वां शिलालेख है, इसमें धम्म की यात्रा के बारे में बताया गया है। और एक मैंने आपको बताया था दूसरा शिलालेख, जिसमें कि जो आपके दक्षिण भारत के राज्य हैं उसके बारे में व्याख्या की गई है, ये तो आप याद कर लेना। ठीक है, ओके। अब हम लोग कुछ अशोककालीन प्रांत के बारे में बात करेंगे। उत्तरापद का राजधानी क्या थी? तक्षशिला। अवंती राष्ट्र की उज्जैनी। कलिंग की तोसले। दक्षिणावर्त की सुवर्ण। और ये है पाटलिपुत्र। ये क्वेश्चन जो है आपके, दो क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं स्टेट पीसीएस में, एक हाँ एक ये कलिंग वाला, ये स्टेट पीसीएस पूछे गए हैं, तो थोड़ा सा याद कर लेना इनको। क्लियर है? ओके, अब हम लोग कुछ है वो 15 मिनट का ब्रेक लेते हैं, वापस मिलते हैं, जिसको आना है वो वापस आए। ठीक है, हम लोग अभी और पढ़ेंगे, हम लोग अशोक का मूल्यांकन करेंगे और ये मेंस के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अभी टाइम कितना हो रहा है? टी ब्रेक हम लोग लिख देते हैं, जो नए बच्चे होंगे वो समझ जाएंगे। टी ब्रेक, ये है टी ब्रेक। और मेरा टेलीग्राम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर लेना। ठीक है, अभी हो रहा है 9:23, मैं आपको 9:33 पर मिलता हूँ। ये
9:33 AM पर मिलता हूँ। ठीक है, अब जो है आप थोड़ा सा ब्रेक ब्रेक लीजिए, चाय पानी कीजिए, जो भी आपको करना है। ओके,
चलिए वेलकम बैक। क्या हाल चाल है, सभी ने चाय पानी कर लिया होगा। चलिए फिर से हमारी यात्रा जो है शुरुआत हो गई है। हम लोग अभी थोड़ा सा और पढ़ेंगे, उसके बाद जो है हम लोग अपने सेशन को ख़त्म कर देंगे। ये मूल्यांकन, मूल्यांकन आपके लिए बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है अगर मेंस के दृष्टिकोण से देखा जाए तो, ठीक है ना। मेंस के दृष्टिकोण से आपका मूल्यांकन काफ़ी महत्वपूर्ण है, ओके। चलिए तो हम लोग मूल्यांकन की शुरुआत करते हैं। अशोक के साम्राज्य की हम लोग बात कर रहे थे, अशोक के साम्राज्य की हम लोग बात कर रहे थे, अशोक के मूल्यांकन की हम लोग बात कर रहे थे। आप जानते हैं मौर्य साम्राज्य में अशोक काफ़ी महत्वपूर्ण है। जितना डिटेल में हम लोगों ने चंद्रगुप्त मौर्य को नहीं पढ़ा लेकिन अशोक को पढ़ा, उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न आप जानते हैं कि अशोक से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अशोक ने बहुत सारे काम किए, कितने सारे शिलालेख बनवाए, धम्म की जो है उसने स्थापना करी, और किस प्रकार से उसने जो है पूरा का पूरा प्रशासनिक स्ट्रक्चर जो है वो पूरा का पूरा चेंज कर दिया। तो मूल्यांकन तो ऑब्वियसली हमें पढ़ना पड़ेगा ना, ठीक है। चलो ठीक है, अशोक की बात की जाए तो अशोक एक महान सम्राटों की श्रेणी में आता है, जैसे कि अकबर की हम लोग बात करें, चंद्रगुप्त मौर्य की हम लोग बात करें, समुद्रगुप्त की बात करें। इसलिए अशोक का नाम एक महानतम सम्राटों में सबसे आगे रखा जाता है। इसने भारतवर्ष में जो है क्या किया, एकता और स्थायित्व को कायम किया। लेकिन आगे आने वाले समय में इसके जो आते हैं पूर्ववर्ती शासक, यानी कि बाद के जो शासक आते हैं, वो क्या करते हैं, वो नहीं संभाल पाते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखना, हमारे भारत देश में उस समय पर बहुत सारी विविधता थी, धार्मिक दृष्टिकोण से भी बात। देखो अब इसने कलर जो है चेंज ही कर दिया भाई, इसने कलर जो है वो ही चेंज कर दिया है इसने। ये कैमरा हमारा पता नहीं कैसा हो गया है, चेहरे बदलते रहता है मेरा, क्या करें। सुनिए मेरी बात सुनिए, हमारे भारत देश में बहुत क्या फ़र्क पड़ता है, आप मेरी जो लैंग्वेज है, जो मेरी मेरी जो साउंड है उस पर ध्यान दीजिए, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आपको। तो हमारे भारत देश में बहुत सारे धर्म के, बहुत सारे संप्रदाय के और बहुत सारी जाति के लोग रहा करते थे। तो देखा जाए तो हमारे भारत देश की राष्ट्रीय एकता को काफ़ी समस्या थी, और इसी समस्या को कुशलतापूर्वक धम्म के माध्यम से इसने हल कर दिया, ठीक है ना। संपूर्ण देश में अगर बात की जाए, इसने एकता स्थापित की कैसे, क्योंकि इसने संपूर्ण देश में एक भाषा इंट्रोड्यूस करवाई, एक लिपि इंट्रोड्यूस करवाई, और एक ही कानून हमारे भारत देश में था। इसी प्रकार से हमारा भारत देश राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से एकता के सूत्र में बन गया, और आज भी आप देख सकते हैं हमारे भारत देश में ऐसी व्यवस्था हो सकती है। आपसे ये क्वेश्चन जो है सेकंड पेपर में भी पूछ सकता है, क्या अशोक के समय का जो काल था जिसमें एक भाषा, एक लिपि, एक कानून होता था, क्या आज के समय में, वर्तमान समय में क्या ये संभव है। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आप बना दोगे क्वेश्चन को। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीएस में, समझ में आया ना आपको, ओके। यूपीएससी में किस प्रकार के क्वेश्चन, कभी ये नहीं पूछेगा कि बताओ भाई अशोक का धम्म कैसा था, अशोक कैसा राजा था, ऐसे कभी नहीं पूछेगा वो। किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे तो आप ध्यान रखना, ठीक है, मैंने जो बताया। अगर हम लोग बात करते हैं कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में, तो अशोक कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में भी अग्रणी राजाओं की श्रेणी में आता है। इसने स्थापत्य श्रेणी का निर्माण, स्थापत्य, बहुत सारे स्थापत्य का निर्माण किया। आप जानते हैं शिलालेख का निर्माण किया, स्तंभ का निर्माण किया, इसने गुहा अभिलेख का निर्माण किया, इसने बहुत सारे जो है विहार का निर्माण किया, इसने बहुत सारे स्तूप का निर्माण किया, ठीक है ना। ये बहुत ही उम्दा शैली के स्तूप थे, ठीक है ना। अगर बात की जाती है इसने कितने स्तूप का निर्माण किया, लगभग 84,000 स्तूप के निर्माण का श्रेय जो है अशोक को दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं ये धार्मिक रूप से कितना कितना प्रभावशाली व्यक्ति था, कुल मिलाकर प्रभावशाली नहीं मतलब सपोर्ट करने वाला व्यक्ति था बौद्ध धर्म को। 84,000 स्तूप बहुत ज़्यादा होते हैं, कम नहीं होते हैं, ठीक है। पूरे भारत देश में 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाना छोटी मोटी बात नहीं थी। तो कश्मीर से लेकर श्रीनगर और नेपाल में देवपत्तम नामक दो नगर की स्थापना करवाई, ठीक है ना, ये तो आप ध्यान रखना। चलो ठीक है, अशोक का साम्राज्य इतना विशाल था कि आप समझ सकते हैं कि भाई इतने बड़े विशाल साम्राज्य को आप धम्म की नीति के माध्यम से संभाल नहीं सकते, ठीक है, ठीक है ना।
तो कुल मिलाकर बात की जाती है कि उसने सोचा कि भाई मानवता के बल पर, नैतिकता के बल पर जो है हम लोग इतने विशाल साम्राज्य को संभाल सकेंगे। बहुत सारे आलोचक, बहुत सारे इतिहासकार जो हैं अशोक की आलोचना इसी बात पर करते हैं, ठीक है ना। और धम्म की नीति के आधार पर ही उसने अपने शासन का संचालन किया। दसवें धम्म अभिलेख में मैंने आपको कहा था ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि प्रशासनिक अभिलेख है। और दसवें धम्म अभिलेख में उसने क्या कहा था, राजा की कीर्ति का मूल्यांकन प्रजा के नैतिक उन्नति से किया जा सकता है। अगर वहाँ की प्रजा नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण है तो समझ जाइए कि वहाँ का राजा भी काफ़ी अच्छा है। समझ में आया? यानी कि कहा जाता है ना कि अगर आपको परिवार की कीर्ति के बारे में पता करना है तो आप बच्चों के संस्कार देख लो। बच्चों के संस्कार से मालूम चल जाता है कि भाई बाप की, माँ बाप की सोच क्या है, ठीक है, क्योंकि माँ बाप की सोच का प्रभाव पड़ता है अपने बच्चों पर। उसी प्रकार से राजा की सोच का, उसके नैतिक मूल्यों का प्रभाव उसकी प्रजा पर पड़ता है। तो इसी प्रकार से कहा था इसने कि राजा की कीर्ति का अगर आपको मूल्यांकन करना है तो आप प्रजा की नैतिक उन्नति से जान सकते हो। यही कारण था कि सम्राट अशोक ने युद्ध का विनाशकारी मार्ग छोड़ दिया और बुद्ध ने क्या किया, शांतिपूर्ण मार्ग का अनुसरण किया। लेकिन आगे आने वाले समय में मौर्य साम्राज्य के पतन में ये नीति विफल हो जाती है और मौर्य साम्राज्य का पतन हो जाता है और आगे आने वाले समय में हमारा भारत देश छोटे छोटे राज्यों में डिवाइड हो जाता है। अशोक प्रथम राष्ट्रीय सम्राट था जिसने विश्व इतिहास में भारत का नाम दर्ज करवाया, यानी पूरे भारत देश का नाम उस समय पर काफ़ी प्रतिष्ठित था। पूरे विश्व में भारत देश की प्रतिष्ठा और नाम बहुत ही सम्मानपूर्वक लिया जाता था। आज के समय में तो आप जानते हैं कि भारत देश एक विकासशील देश है, विकसित देश की श्रेणी में भी हम लोग नहीं आते हैं। अशोक एक पहला राष्ट्रीय सम्राट था जिसने विश्व इतिहास में भारत का नाम दर्ज करवाया। इसके बाद तो आप जानते हैं बहुत सारे शासक हुए हैं, जैसे कि हम लोग बात करें अकबर के नाम की भी अगर हम लोग बात कर देंगे, अलाउद्दीन खिलजी की बात कर देंगे, समुद्रगुप्त की बात करें, फिर तो आपके बहुत सारे राजा हुए हैं, लेकिन पहला शासक कौन था, पहला शासक आपका अशोक था, ठीक है ना। अशोक की मृत्यु के बाद आप जानते हैं उसका पुत्र आता है और उसके पुत्र जो हैं इतने मतलब ठीक है ना, इतने सहिष्णु होते हैं कि भाई उनके जो सेनापति होते हैं, अधिकारी जो हैं, वो अलग से स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर लेते हैं, ठीक है ना। अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व के लगभग हुई। उसके एक लघु स्तंभ में केवल एक पुत्र तीवर का उल्लेख मिलता है, केवल एक पुत्र, जबकि अन्य सूत्रों में इसके विषय में मौन है। पुराणों की हम लोग बात करते हैं तो पुराणों में दशरथ के विषय में जानकारी मिलती है ना, और दशरथ के विषय में जो है पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं, कौन कौन से, बराबर की पहाड़ियों को कटवाकर इसने आजीवक संप्रदाय के संतों को दान में दिया था, तो ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। आप तो ये जानते हैं देवनाम प्रियदर्शी जो था उसकी क्या नाम से उपाधि थी, किसकी, अशोक का बेटा था दशरथ, उसकी उपाधि थी देवनाम प्रिय। अगर देवनाम प्रिय आ जाए तो दशरथ है, ठीक है ना, और देवनाम प्रियदर्शी आ जाए तो वो कौन है, वो है आपका अशोक, ठीक है। अशोक और दशरथ दोनों ने देवनाम प्रिय की उपाधि धारण की थी, ठीक है ना। इसके बाद ये बिहार प्रांत में गया, हाँ, बिहार प्रांत के गया जिले में स्थित नागार्जुन की पहाड़ी पर गया और वहाँ पर जो है आजीवक संप्रदाय के लिए इसने जो है 3 गुफाओं का निर्माण करवाया था, किसने, दशरथ ने, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं पुराणों में जो बृहद्रथ है इसके बारे में बताया गया है, और ये बृहद्रथ है ये मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था, और इसका जो सेनापति होता है, इसका सेनापति पुष्यमित्र शुंग इसकी हत्या कर देता है, ठीक है ना। पुष्यमित्र शुंग और ये जो बृहद्रथ है इसमें कुछ वाद विवाद होता है, इसके बाद बृहद्रथ की बातें नहीं मानता है और बृहद्रथ की हत्या कर देता है, उसका धड़ गर्दन से अलग कर देता है। पुष्यमित्र शुंग सत्ता पलट तख्ता पलट कर देता है और यहीं से शुंग वंश की स्थापना हो जाती है, शुंग वंश जो है ये ब्राह्मण वंश था। आगे आने वाले समय में ये पुष्यमित्र शुंग जो है क्या करेगा, ब्राह्मण वंश को प्रोत्साहित करेगा और बौद्ध धर्म के संतों की हत्या वत्या करवाएगा, यानी कि बौद्ध धर्म को हतोत्साहित करवाएगा ये, ठीक है ना। तो पुष्यमित्र शुंग के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं इसलिए मौर्य साम्राज्य पर ही हम लोग सीमित हो जाते हैं, ठीक है ना। ओके, तो ये सभी बातें हैं जो आपको ध्यान में
रखना है, बृहद्रथ की हत्या करने के बाद जो है मौर्य वंश का समापन हो जाता है। अब हम लोग प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। ये प्रशासनिक व्यवस्था काफ़ी महत्वपूर्ण है, जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। एक बार मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप और बता देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसी नाम से आप सर्च करना, टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा। ये भूपेंद्र सिंह दिनकर है, ये अपना मेन ग्रुप है, लगभग 12,406 सब्सक्राइबर हैं, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये है UPSC डिस्कशन ग्रुप और इसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये है GS पेपर आंसर राइटिंग ग्रुप, इसमें हम लोग जो है आंसर राइटिंग करते हैं, ठीक है। तो ये सभी बातें हैं और कोड का आप ध्यान रखना, ये है अपना कोड BS Live और ये है व्हाट्सएप नंबर, जब भी आप एडमिशन लेना चाहें तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। कॉल नहीं, सॉरी, मैसेज कर सकते हैं, कॉल नहीं लगेगा इस पर और आपके मैसेज का रिप्लाई बहुत जल्द ही दे दिया जाएगा, ठीक है ना। और BS Live कोड का इस्तेमाल आप करोगे तो अलग से आपको एक नंबर दिया जाएगा जो पर्सनल नंबर मेरा होगा और मैं ही आपको गाइड करूँगा, ठीक है ना। तो जब भी आप जो हैं, चलिए मौर्य साम्राज्य की हम लोग बात करते हैं। तो मौर्य साम्राज्य में ये सप्तांग का सिद्धांत है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब आप बोलोगे सर ये सप्तांग का सिद्धांत क्या है, क्या बता रहे हो आप सप्तांग सिद्धांत। ये सप्तांग सिद्धांत इतना महत्वपूर्ण है कि प्रीलिम्स में भी इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए हैं और मेंस में भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए हैं। सप्तांग सिद्धांत का मतलब ये है, चाणक्य ने कहा था कि भाई राज्य के लिए ये 7 लोगों का होना बहुत जरूरी है। सप्तांग सिद्धांत जिस प्रकार से सप्तांग सिद्धांत यानी कि सप्त अंग, आप इसको संधि विच्छेद करोगे ना तो सप्त अंग के रूप में सामने आएगा। यानी कि जिस प्रकार से इंसान के 7 अंग होते हैं, सिर होता है, आंख होती है, जंघा होती है, बाएं होती हैं, उसी से संज्ञा की है कि यहाँ पर कौन कौन से जो हैं महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। देखो आप जिस प्रकार से जानते हैं कि सिर होता है किसी भी इंसान का, सिर धड़ से अलग हो जाता है तो इंसान का जो अस्तित्व है वही समाप्त हो जाता है। तो जिस प्रकार से सिर होता है, जिस प्रकार से आँख होती है, जिस प्रकार से जंघा होती है, जिस प्रकार से बाह होती है, जिस प्रकार से मुख होता है, जिस प्रकार से मस्तिष्क होता है, जिस प्रकार से कान होते हैं, इन सब के बिना हमारा जीवन अधूरा है। कोई भी अंग भंग होता है तो हमारा जीवन अधूरा हो जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर इनकी संज्ञा, सिर की संज्ञा राजा को दी गई है, आँख की संज्ञा अमात्य को दी गई है, जनपद यानी कि जंगा, दुर्ग यानी कि बाहर बाह, कोश यानी कि मुख, दलबंड सेना यानी कि मस्तिष्क और मित्र यानी कि कान। यानी कि यहाँ पर इनमें से कोई सा भी अंग जो है अलग होता है या फिर थोड़ा सा दिक्कत आती है तो यहाँ पर पूरा का पूरा शरीर जो है रोगग्रस्त हो सकता है, क्लियर है। तो ये बात आप ध्यान रखना। तो ये सप्तांग सिद्धांत काफ़ी महत्वपूर्ण है आप सभी लोगों के लिए। इस प्रकार से एग्जाम्पल के माध्यम से, शरीर के एग्जाम्पल के माध्यम से इसने बताया कि राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंडबल, सेना और मित्र, इन सबकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है प्रशासन के क्षेत्र में, ठीक है ना। प्रशासन में अगर इन 7 में से कोई भी धोखेबाज होता है या फिर कोई भी चीज दूषित होती है तो वहाँ से प्रशासन जो है समाप्त होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका सप्तांग सिद्धांत, याद कर लेना, काफी महत्वपूर्ण है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखो, अर्थशास्त्र के अनुसार हम लोग बात करते हैं उच्च अधिकारी। अब ये शब्दावलियां जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये शब्दावलियां आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना जो है, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, बने भी हैं। तो तीर्थ शब्दावली आपसे पूछ लिया जाएगा, तीर्थ शब्दावली किससे संबंधित है तो आप क्या बताओगे, वो है आपका उच्च अधिकारी, ठीक है। सबसे उच्च अधिकारी यानी कि आप समझ सकते हैं IAS IPS ऑफिसर होते ना, उसी प्रकार से ये भी उच्च अधिकारी होते थे जिनको हम लोग तीर्थ के नाम से जानते थे। 18 तीर्थों की यहाँ पर चर्चा मिलती है, यानी कि 18 अधिकारियों की यहाँ पर जो है चर्चा मिलती है, ठीक है ना। यहाँ पर आप ध्यान रखना, एक महामात्र शब्द मिलता है कहीं कहीं, तो महामात्र भी जो हैं वो तीर्थ ही होते हैं, है ना, वो अधिकारी ही होते हैं। तीर्थ बोल लो या फिर महामात्र बोल लो, ये दोनों के दोनों एक ही हैं और ये उच्च अधिकारी हुआ करते थे। इसके अलावा 26 अध्यक्षों की वो चर्चा भी मिलती है। अब ठीक है, ये तो हमें बात याद हो गई है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये तीर्थ, ठीक है ना, इन तीर्थों को आप याद कर लेना। 18 तीर्थ हैं, इनकी शब्दावली काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। जैसे कि मैं बात करूँ समाहर्ता, ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, सन्निधाता, ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। यहाँ पर आपका जो है आठविक, ये आठविक भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्लियर है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है,
यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो पुरोहित, पुरोहित का मतलब होता है धर्माधिकारी या प्रधानमंत्री। प्रशासता का मतलब होता है राजकीय आज्ञा को लिखने वाला प्रमुख अधिकारी। सेनापति तो आप जानते हैं, युद्ध विभाग का मंत्री होता है। युवराज यानी कि राजा का जो उत्तराधिकारी होता है उसी को हम लोग युवराज बोलते हैं। प्रदेष्टा यानी कि फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश। नायक यानी कि सेना का संचालक अथवा नगर रक्षा का अध्यक्ष। कर्मांधिक यानी कि उद्योगों एवं कारखानों का प्रधान निरीक्षक। दंडपाल यानी कि सेना की सामग्री जुटाने वाला प्रमुख अधिकारी। व्यवहारिक यानी कि दीवानी न्यायालय का प्रमुख। नागरक दुर्गपाल दुर्गों का अध्यक्ष। अंतपाल सीमावर्ती जो दुर्ग हैं उनकी रक्षा करने वाला। द्वारिक यानी कि राजमहलों की देखरेख करने वाला। आंतरवेशिक की बात करते हैं तो यह है सम्राट की अंग रक्षक सेना का प्रधान अधिकारी होता है। क्लियर है? तो ये सभी के सभी जो तीर्थ हैं, ठीक है ना, याद कर लेना, ये सभी के सभी तीर्थ जो हैं काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं आप सभी लोगों के लिए। क्लियर है? ओके, थोड़े से और शब्दावलियों की बात करते हैं। और कौन कौन सी शब्दावलियाँ हैं जो जुड़ी हुई हैं? देखो यहाँ पर कुछ अध्यक्ष हैं, कुछ विभाग हैं। इन विभाग का नाम याद कर लेना, इनके अध्यक्ष को हम लोग क्या बोलते हैं। एक है आपका प्रणयाध्यक्ष। अब इसमें से बताता हूँ कौन कौन से अध्यक्ष से क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर जो है सूनाध्यक्ष, ये सूनाध्यक्ष जो है आपको पूछा गया है। पोतवाध्यक्ष आपसे पूछा गया है। तो ये दोनों चीज़ें आप जो है याद कर लेना। आप सोचोगे पोतवाध्यक्ष हो सकता है कि बंदरगाह संबंधित, तो नहीं, ये मापतौल का अध्यक्ष हुआ करता था, ठीक है ना। इसी प्रकार से सूराध्यक्ष शराब और मदिरा का अध्यक्ष, कृपाध्यक्ष वन एवं उसकी संपदा का अध्यक्ष, सूत्राध्यक्ष कताई बुनाई का, लोहा अध्यक्ष यानी कि धातु विभाग का, लक्षणाध्यक्ष यानी टकसाल का, मुद्राध्यक्ष यानी पासपोर्ट का, नवाध्यक्ष जहाजरानी का, विविताध्यक्ष अक्ष पटलाध्यक्ष पतना, ठीक है ना। ये सारे के सारे जो हैं आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। ओके, चलिए ये सभी बातें हैं। यहाँ पर हम लोग कुछ मौर्यकालीन प्रांतों की बात करते हैं, किस प्रकार से इनके प्रांत बचे बटे हुए थे, जिस प्रकार से हमारे भारत देश में है, नहीं है, राज्य हैं। कितने राज्य हैं बताइए कमेंट बॉक्स में मुझे, कितने राज्य हैं बताइए, ठीक है। तो उन्हीं प्रांतों की हम लोग बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से इन्होंने प्रांत की व्यवस्था को रेगुलेट किया था। यहाँ पर आप ध्यान रखना, यहाँ पर मौर्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन की सुविधा हेतु अपने विशाल साम्राज्य को चार प्रांतों में बांट रखा था, क्योंकि विशाल साम्राज्य यानी कि केंद्र से इनको रेगुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल था। कितना बड़ा साम्राज्य है आजकल हमारे भारत देश में, कितने राज्य हैं आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। और उसने तो अपने साम्राज्य को केवल और केवल चार राज्यों में बांट रखा था, है ना। तो बांटने से क्या है, थोड़ा सा चीज़ें अच्छी चल जाती हैं। एक था आपका उत्तरापथ, जिसकी राजधानी मैंने आपको बताया था क्या थी, तक्षशिला। एक है आपका दक्षिणापथ, इसकी राजधानी मैंने आपको बताया था क्या, सुवर्णगिरी। एक था आपका अवंती, जिसकी राजधानी थी उज्जैनी, ये मध्य भाग हुआ करता था। एक था आपका पाटलिपुत्र, ठीक है ना, और पाटलिपुत्र के माध्यम से ही ये पूरे देश का संचालन करता था। प्रांतों के शासन की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर राजवंशीय कुमार या फिर आर्यपुत्र नामक पदाधिकारियों के द्वारा होता था। जैसे कि मैंने कहा था अशोक उस समय पर किसका राज्यपाल था, उज्जैनी का, ठीक है ना। मौर्य काल में प्रांतों को हम लोग क्या कहते हैं, चक्र बोलते हैं। चक्र जो थे वो किस में बटे हुए थे, मंडलों में बटे हुए थे, और सीधे सीधे जो है प्रांतों का शासन सम्राट के हाथों में ना होकर उसके प्रतिनिधि यानी कि राज्यपाल के हाथों में हुआ करता था। जिस प्रकार से हमारे भारत देश में क्या है, प्रांत यानी कि राज्य, राज्य बटे हुए हैं जिलों में, जिले बटे हुए हैं जनपद, नगर पालिका, नगर निगम, इसी प्रकार से वहां पर भी शासन था, ठीक है ना। चलिए आगे आप ध्यान रखना, ये शब्दावलियां जो मैं आपको बता रहा हूं ये काफी महत्वपूर्ण है। तो चार, देखो चार संख्या थी प्रांतों की चंद्रगुप्त मौर्य के समय, और अशोक का समय आया, अशोक के समय आते आते जो है इसकी संख्या कितनी हो गई, पांच हो गई। यहां पर पांचवा प्रांत था वो कौन सा था, कलिंग। आप जानते हैं कलिंग जीत लिया गया और कलिंग को जीतकर मौर्य साम्राज्य का हिस्सा बना लिया, ये पांचवा प्रांत था, ठीक है ना। इसकी राजधानी पूछी गई है तोसली, याद रखना। मौर्य प्रशासन का हम लोग बात करते हैं किस प्रकार से हायरार्की थी, तो आप ध्यान रखना, केंद्र तो आप जानते हैं, प्रांत आप जानते हैं, ठीक है। प्रांत जो थे मंडल में बटे हुए थे, और इसके जो अधिकारी होते हैं, इसके जो प्रमुख होते हैं, वो प्रदेष्टा या फिर प्रादेशिक। अब हम लोग बात करते हैं मंडल किस में बटे हुए थे। मंडल जो है विषय में
बटे हुए थे। इसका जो अधिकारी है वो कौन होता है? विषयपति। आप ये विषय और आहार को आप जिले समझ सकते हैं आज के समय में, ठीक है ना। इसका अधिकारी कौन है? विषयपति। फिर आता है विषय के नीचे स्थानीय। ये 800 ग्रामों का समूह होता था, जिस प्रकार से होता नहीं है, हम लोगों ने 800 ग्रामों का एक समूह बना लिया। हमारे भारत देश में अभी भी इस समय पर कुछ गाँव के समूह होते हैं, है ना। इसी प्रकार से छोटे जो समूह होते हैं ग्रामों के, जो 400 ग्रामों के होते हैं, उसे द्रोणमुख बोलते हैं। खारवटिक जो हैं आपके 200 ग्रामों के समूह होते हैं। ये शब्दावलियाँ काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, शब्दावलियाँ याद कर लेना, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, यूपीएससी शब्दावलियों पर फोकस करता है। संग्रहण 10 ग्रामों का समूह, ठीक है। और जो ग्राम थी ये आपकी सबसे छोटी इकाई थी। क्या थी? सबसे छोटी इकाई थी ग्राम। और इसका जो प्रमुख अधिकारी था वो क्या था? ग्रामणी इसका प्रमुख अधिकारी था। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं ग्राम सभा, ठीक है ना। ग्राम सभा और इसका प्रमुख गांव के छोटे छोटे कार्य और राजस्व ग्रहण के लिए क्या था? उत्तरदायी था। आज भी तो हमारे भारत देश में इसी प्रकार की व्यवस्था है या फिर नहीं है? एक गोप नामक प्रशासनिक अधिकारी था, कर्मचारी था, उनकी इस संबंध में जो है सहायता करता था। कौन? गोप नामक। कुछ इस प्रकार की व्यवस्था आपको अभी भी देखने को मिलेगी, और सल्तनत काल में और मुगल काल में और ब्रिटिश काल में मिलेगी, लेकिन नाम चेंज हो जाएंगे इनके। जैसे कि आज हमारे भारत देश में जो सबसे नीचे के रेवेन्यू अधिकारी होते हैं वो कौन होते हैं? पटवारी होते हैं ना, और पटवारियों का नाम अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होता है। होता है या फिर नहीं होता है? ठीक है ना। तो नाम चेंज होंगे, और ये नाम ही तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, यूपीएससी नाम पर ही तो फोकस करता है। यहाँ पर सोहगोरा और महास्थान से ग्राम शासन की कुछ सूचनाएं प्राप्त होती हैं, जैसे कि अन्नागार। ये अन्नागारों का मतलब क्या है? यानी कि जब आपदा आएगी, जब अकाल पड़ जाएगा, तो ये इमरजेंसी में सरकार के द्वारा जो है इनको क्या किया जाएगा? जारी कर दिया जाएगा, ठीक है ना। अन्नागार और ये जो है अन्न जो है ये भंडारण की व्यवस्था, यानी कि अन्न को संचित करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। आगे आप ध्यान रखना, हम लोग बात कर रहे हैं गोप। गोप जो था ये गांव में हदबंदी। हदबंदी का मतलब क्या होता है? यानी कि एक लिमिट से ज़्यादा अगर आपके पास भूमि है तो आपकी भूमि जो है जब्त कर ली जाएगी। जो कि आप जानते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हमारे भारत देश में भूमि सुधार हुआ था, और भूमि सुधार में भी हदबंदी को लागू किया गया था। और बहुत सारे शाणे लोग जो थे उन्होंने दो दो तीन तीन चार चार शादी कर ली। क्यों शादी कर ली? जिससे कि उनकी भूमि बच जाए, हदबंदी कानून से बच जाए। बहुत शाणे इंसान है, ठीक है ना। मकान का पंजीकरण करना, कर की छूट करना और जनगणना कार्य जो है ये गोप नामक अधिकारी करता था। कौन करता था? गोप नामक अधिकारी करता था, ठीक है ना। एक ग्राम का अध्यक्ष था, जिसे हम लोग जानते हैं ग्रामणी के नाम से। और जो ग्राम अध्यक्ष था, ये ग्राम जो था ये सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई थी, ठीक है। और इसका काम क्या था? इसका काम ये था कि भूमि का प्रबंध करना है और सिंचाई की व्यवस्था करना है, क्योंकि जब रेवेन्यू प्राप्त नहीं होगा भूमि से तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी हमें। ओके, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं सैन्य व्यवस्थाओं के बारे में। सैन्य व्यवस्थाओं में आप सभी लोग जानते हैं कि मौर्य साम्राज्य की जो सेना थी वो काफ़ी सुसंगठित थी और इसकी सेना बहुत बड़ी थी, बहुत ज़्यादा बड़ी थी। अगर हम लोग बात करते हैं तो मौर्य साम्राज्य के 10,000 सैनिक जो थे, वो हाथी सेना से संबंधित थे, है ना। अगर हम लोग अश्व सेना की बात करें, हम लोग बहुत बड़ी सेना थी कुल मिलाकर बात की जाए। भारत की सबसे बड़ी सेना किसके हाथ में थी? वो मौर्य साम्राज्य के हाथ में थी, है ना। 500-600 हाथियों को दान में देना तो छोटी मोटी बात थी इनके लिए, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं किस किस प्रकार की सेना थी, तो पैदल सेना थी, घुड़सवार सेना थी, हाथी सेना थी, और कौन सी सेना थी? ये थी आपकी युद्ध रथ सेना, ठीक है ना। ओके, ये सभी बातें हैं। मेगास्थनीज की इंडिका की बात करते हैं। इंडिका के माध्यम से हमें मालूम चलता है कि 6,00,000 पैदल सैनिक थे, 50,000 अश्वारोही थे, 9,000 हाथी, है ना, और 800 रथों सेना से सुसज्जित विराट सेना यहाँ पर थी। अगर हम लोग बात करते हैं जस्टिन ने क्या बोला है, चंद्रगुप्त की सेना को इसने डाकुओं का गिरोह कहा है,
पता नहीं क्यों कहा है, समझ में नहीं आया मुझे। कौटिल्य ने सेना को तीन श्रेणी में विभाजित किया था। कौन कौन सी श्रेणी थी? एक तो थी आपकी पुस्तैनी सेना, दूसरी थी आपकी कौन सी भाटक सेना, और तीसरी थी आपकी नगरपालिका सेना। अब आप समझ सकते हैं केंद्रीय सेना, राज्य सेना, और होती है होता ना स्थानीय सेना होती है, उसी प्रकार से इन सेनाओं का काम हुआ करता था। ठीक है, अब हम लोग जो है न्याय व्यवस्था पढ़ेंगे, लेकिन न्याय व्यवस्था हम लोग कल पढ़ेंगे। कल हम लोग गुप्तचर व्यवस्था भी पढ़ेंगे, और कल आपका जो है ये मौर्यकालीन जो आपका जो भी चीज़ें हैं वो समाप्त हो जाएंगी। कल आपकी एंशियंट हिस्ट्री की क्लास नहीं होगी, कल आपकी मीडिएबल हिस्ट्री की क्लास होगी। थोड़ा सा आप याद कर लेना कि यहाँ पर जो है हमारा सेशन जो है समाप्त हुआ था, हमें गुप्तचर व्यवस्था से स्टार्ट करना है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन कुछ आंसर आपके चेक करता हूँ, है ना, टेलीग्राम ग्रुप पर। यह है हमारा मेन ग्रुप भूपेंद्र सिंह दिनकर, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। लगभग 12,409 सब्सक्राइबर हैं, और ये कोड भी आपको प्रिंट दिख रहा होगा। इस कोड का इस्तेमाल करते हुए आप एडमिशन ले सकते हैं। जैसे ही आप एडमिशन लोगे इस कोड का यूज़ करते हुए, वैसे ही आपको पर्सनल नंबर जो है मेरा आपको मिल जाएगा, और वहाँ पर मैं आपको गाइड करूँगा। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग आंसर राइटिंग पर आते हैं, और आंसर राइटिंग पर सबसे पहले किसने तीन आंसर दिए हैं उसका हम लोग जो है थोड़ा सा ये सर जो आपको डालते हैं ना थोड़ा सा इनको आप देखा कीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये आपके सेशन। कल का क्वेश्चन बहुत ही शानदार था, अगर आपने उस क्वेश्चन को समझ लिया हो तो मजा आ जाएगा कसम से। ये अपना चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपना ही चैनल है, किसी और का नहीं है। बहुत सारी क्लास आपकी यहां पर होने वाली है। ये मैंने क्वेश्चन दिया था, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के निर्धारक तत्व क्या हैं, वर्तमान संदर्भ में नेहरू जी की अंतर्राष्ट्रीय नीतियों की प्रासंगिकता पर चर्चा कीजिए। सबसे पहले तो आपको जो है ये बताना है, दो चीज़ें इसमें पूछी गई हैं जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन को समझने के लिए दो चीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला क्या, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं, पहली बात ये। तो निर्धारक तत्व डायरेक्ट आप डाल सकते हैं, और दूसरा आपका है वो है वर्तमान संदर्भ में नेहरू की अंतर्राष्ट्रीय नीतियों की प्रासंगिकता। तो सबसे पहले तो आपको अंतर्राष्ट्रीय नीतियों के बारे में मालूम होना चाहिए। एक मिनट रुको, जरा आता हूँ मैं। ठीक है, तो दो बात आपको ध्यान में रखना है, एक तो है आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं, और दूसरा है आपका नेहरू की जो नीतियां थी, आप जानते हैं कौन कौन सी नीतियां थी, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग होना चाहिए, एक दूसरे की सीमा का हमें जो है सम्मान करना चाहिए, पंचशील की सिद्धांत के बारे में तो आप जानते हैं, अफ्रीकी देशों के साथ जो है संबंध कैसे होना चाहिए, हमारे गुट निरपेक्ष की नीतियां, इन सब की नीतियों का आपको मूल्यांकन करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या आपने, ये जीतू मन्नू ने लिखा है, देखते हैं इनका आंसर। देखो इन्होंने बताया है अंतर्राष्ट्रीय संबंधी तत्वों के निर्धारक तत्व, डायरेक्ट इन्होंने जो है इस पर फोकस किया है। तो विभिन्न देशों के बीच संबंध का अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहलाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के निर्धारक तत्व में राजनीति राज, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मुख्यतः तत्व विदेश नीति है, राष्ट्र राज्य सरकार है, जनसाधारण क्षेत्र नीति, थोड़ा सा इसको और बड़ा करो, ये मन्नू जी हैं, थोड़ा सा इसको और बड़ा करो, क्योंकि ये अपना पहला पार्ट है, आपने पहले पार्ट को बहुत छोटा लिखा है। ठीक है ना, थोड़ा सा और बड़ा करने की ज़रूरत और आवश्यकता है। दूसरा है वर्तमान संदर्भ में नेहरू की अंतर्राष्ट्रीय नीतियों की प्रासंगिकता। पहला है आपका पंचशील, ठीक है, बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार है, मतलब पंचशील के बारे में बताया है इन्होंने, और मूल्यांकन करना भी काफ़ी ज़रूरी है आप सभी लोगों के लिए। नेक्स्ट आपने क्या बताया, आपने बस पंचशील के बारे में बताया है, आपने और डायमेंशन को क्यों नहीं आपने इसमें जो है डाला है, जैसे कि पंचशील का सिद्धांत हुआ, गुट निरपेक्ष नीति हुई, इसके अलावा आपका जो अंतर्राष्ट्रीय जो आपके
संस्थान हैं, है ना, उनके साथ अच्छे संबंध बनाना, और अफ्रीकी देशों के साथ, उत्तर पूर्वी देशों के साथ, इन सब का आप मूल्यांकन कर सकते थे। आपने एक डायमेंशन को ऐड किया है इसमें जो कि थोड़ा सा अधूरा टाइप का लगता है, एक अच्छा आंसर इसको नहीं कहा जा सकता। जहाँ पर सुधार मैंने कहा है कि करो, वहाँ पर सुधार करने का प्रयास करो। फिर है आपकी पल्लवी, देखते हैं पल्लवी ने क्या क्वेश्चन को समझा है। क्वेश्चन को बहुत बढ़िया समझा है, भौगोलिक तत्व बताए हैं, आर्थिक तत्व बताए हैं, ऐतिहासिक, राष्ट्रीय, एक सामरिक बता देते, ठीक है, अच्छी बात है, ये अच्छा लिखा है इन्होंने, एक बहुत ही सटीक और बहुत ही संक्षेप में इन्होंने प्रस्तावना लिखी है जो काफ़ी अच्छा है। अब नेहरू जी की अंतर्राष्ट्रीय नीति के बारे में इन्होंने बताया है, ठीक है, गुटों की खींचतान, गुट निरपेक्षता, शांतिप्रिय राष्ट्रों के मध्य न्याय और संभा, ठीक है। मूल्यांकन भी तो करना है, मूल्यांकन कहाँ गया आपका, मूल्यांकन नहीं किया आपने, थोड़ा सा मूल्यांकन करना ज़रूरी है। ये पल्लवी है, थोड़ा सा मूल्यांकन करो इसका, ये भी अधूरा क्वेश्चन है, ठीक है। फिर ये एनजी है, एनजी की कॉपी जो है चेक नहीं की जाएगी, क्यों, क्योंकि इन्होंने फॉर्मेट में नहीं लिखा है। राज कोहली हैं, क्या राज कोहली ने भी, देखो अंतर्राष्ट्रीय संबंध इन्होंने वो बता दिए, बहुत बढ़िया है। दूसरे पार्ट में आपने जो है विदेश नीति बताई है, लेकिन इसका मूल्यांकन करना है ना, हाँ मूल्यांकन किया है, पंडित नेहरू दृष्टिकोण और अंतः प्रज्ञा पर आधारित इस नीति की आधारशिला है तथा उसकी किसी भी परिस्थिति में परित्याग नहीं किया जाता। आज के समय में क्या सार्थकता है, इस बात पर आपको फोकस करना था। सेकंड पार्ट आपका सही नहीं है, है ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपको मूल्यांकन करना है आज के समय के अनुसार, ओके, कहां पर आप गलती कर रहे हैं थोड़ा सा देखें। आपने अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में बताया, वर्तमान समय में नेहरू जी की नीतियों के बारे में आपने बताया, प्रासंगिकता, देखो ये जो आपकी कौन है, ये वैष्णवी चौहान ने सही लिखा है, ये जिस चीज़ को मैं ढूंढ रहा था वो चीज़ मुझे मिल गई, वर्तमान समय में जो नेहरू जी की जो नीतियां हैं उनकी क्या प्रासंगिकता है। उन्होंने बताया है कि चीन व अमेरिका विश्व की बड़ी शक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय संबंध को रोक सकता है, वर्तमान समय में फिलिस्तीन के मुद्दे पर अमेरिका के प्रस्ताव का विरोध भारत की स्वतंत्र विदेश नीति को दर्शाता है, विभिन्न देशों द्वारा फिलिस्तीन की स्वतंत्रता के मुद्दे, थोड़ा सा नीति का नाम लिखो और उसके आगे प्रासंगिकता लिखो, जैसे गुट निरपेक्ष नीति, वर्तमान समय में गुट निरपेक्ष नीति की क्या प्रासंगिकता है, एक लाइन में गुट निरपेक्ष नीति के बारे में बता दो और उसके बारे में प्रासंगिकता आप बता सकते हो, ठीक है ना, थोड़ा सा इस पर भी काम करो। संचित के चमत्कारी नेतृत्व, अरे यार इस पॉइंट को मत डालो यार, ठीक है ना, थोड़े अच्छे अच्छे पॉइंट को लिखो, ये भी अधूरा क्वेश्चन है, थोड़ा सा पूरा करो। आपने बस नेहरू जी की नीतियों के बारे में बताया है, नेहरू जी की नीतियों का मूल्यांकन करना है आज के समय में। बबीता चौरसिया हैं, बबीता चौरसिया जो है ठीक लिख रही हैं, बहुत बढ़िया है, प्रासंगिकता इन्होंने भी बताई है, ठीक है, लगभग ठीक है, थोड़ा सा और प्रयास करो। देखो क्वेश्चन को समझना काफ़ी ज़रूरी है, आप समझ गए ना कि कहां पर हमें नंबर नहीं मिलते हैं, है ना। देखो अब ये है अंतर्राष्ट्रीय संबंधी निर्धारक तत्व आपने बता दिए, प्रासंगिकता आपने बताई, पंचशील सिद्धांत के बारे में आपने बताया। अब आप ये बताओ ना, पंचशील सिद्धांत वर्तमान समय में क्यों प्रासंगिक हैं, है ना, ये आपको बताना है, ठीक है ना। थोड़ा सा टिपिकल है, आपने पंचशील सिद्धांत को पूरा नहीं बताया है, इसको आगे इसकी समीक्षा भी तो करनी है ना, मैं गुट निरपेक्ष नीति इसकी समीक्षा करनी है हमें आगे, है ना, तो थोड़ा ध्यान दो आप। अब ये कृषि जो है ना, कृषि ने जो आंसर जो है सही लिखा है, देखो इसने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के निर्धारक तत्व बताए, आयाम को कवर किया, भौगोलिक, ऐतिहासिक, आर्थिक, फिर इसके बाद प्रासंगिकता के बारे में लिखा, गुट निरपेक्ष नीति के बारे में, और गुट निरपेक्ष नीति किस प्रकार से आज के समय में प्रासंगिक है ये भी इन्होंने लिखा है। एफ्रो एशियाई देशों का सम्मेलन, पंचशील सिद्धांत का सिद्धांत, पड़ोसी प्रथम का सिद्धांत, ये सभी जो हैं आपके काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। थोड़ा कृषि का आंसर आप देख लेना, काफ़ी अच्छा लिखा है इन्होंने। राजवंत कौर हैं, भौगोलिक तत्व, जनसंख्या, आर्थिक विकास, इतिहास, ठीक है, प्रासंगिकता आपने बताई है, हाँ ठीक है, इनका फिर भी लगभग ठीक है। थोड़ा और
हम लोग प्रासंगिकता वाले पॉइंट पर आप लोग जो है मात खा गए थोड़ा सा, प्रासंगिकता वाले देखो इसमें प्रासंगिकता वाला मैटर जो है यहां, हाँ ये लिखा है इन्होंने वर्तमान समय में प्रासंगिकता, इसमें आगे लिखना था ना आपको, आगे तो आपने लिखा ही नहीं है। ये है रोशन कुमार यादव, ठीक है अच्छी बात है। थोड़ा सा आप कृषि की आंसर राइटिंग को पढ़ो, कृषि की आंसर राइटिंग थोड़ा सा अच्छी है अगर बात की जाती है तो, ठीक है। चलो ठीक है, यहाँ पर आप सभी का सेशन ख़त्म होता है, आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर आप जानते हैं कि अनअकैडमी के बहुत सारे कोर्स स्टार्ट हो चुके हैं, तो इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी तो आप प्लस और आइकॉनिक के बारे में जानते हैं, तो प्लस और आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप कोड का इस्तेमाल करें BS Live, जिससे कि आपको मेरे से जुड़ने का मौका मिले। और यहाँ पर 35% ऑफ़र चल रहा है, पता नहीं कब तक चलेगा, तो आप इस ऑफ़र का फ़ायदा उठाएं, ठीक है। चलिए तो आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद। सुबह 7 बजे तैयार रहना मीडिएवल हिस्ट्री के साथ।